आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया। एक सोच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसलखाने में बैठ के लिखी होगी। और ऊपर से प्लस और कर दिया। तो बनवा दो ना शौचालय घर में भी। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अभास। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके मूवी फैक्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई की थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देरी के आज की इस मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें फ्रेंड्स, इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर ले इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को बनाने में 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 302 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म 2017 की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म था। इसी के साथ चलिए दोस्तों अब बात कर लेते फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बारे में। तो बता दें दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया था। और साथ ही साथ दोस्तों फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म की कहानी सिद्धार्थ सिंह ने लिखे थे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया, एन प्रेरणा अरोरा, अर्जुन एन कपूर, एन नीरज पांडे और साथ ही साथ ट्विंकल खन्ना ने भी फिल्म को प्रोड्यूस किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों आपको पता है फिल्म में अक्षय कुमार एन भूमि पेडनेकर ने अभिनय किए थे। इन दोनों को आप इस फिल्म में आसानी से देख सकते हो। इसी के साथ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म को प्रोडक्शन दिया है भाईकॉन 18 मोशन ने, साथ ही साथ की आर्ट्स एंटरटेनमेंट ने और फ्राइडे फिल्म वर्क ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जी हाँ फ्रेंड्स, केफ ऑफ गुड फिल्म के बैनर तक इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों, फिल्म में अक्षय कुमार केशव शर्मा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले भूमि पेडनेकर के बारे में, तो जया शर्मा के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई थी। दिव्यांशु शर्मा के बारे में हम बात कर ले तो नारायण के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं।
साथ ही साथ सहायक एक्टर अनुपम खेर के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में दीनानाथ के रूप में फिल्म में दिखाई दिए हैं। सिद्धीर पांडे फिल्म में पंडित के रूप में दिखाई दिए हैं। ऐसा राजा फिल्म में विद्या जोशी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरिंग स्टार का सब कुछ दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनुपम खेर और भी कई सारे स्टार इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे वीडियो में बतलाएंगे। इसी के साथ बता दें दोस्तों, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा फिल्म साल 2017 की हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा संनिर्मित किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेटनेकर अभिनय किए थे। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए फिल्म को बनाया गया था। तो इस फिल्म के जरिए ये मैसेज भी दिया गया था कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़े। इसी तरह दोस्तों फिल्म के जरिए ये बतलाया गया था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी बन गई थी और अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की 41वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये फिल्म 210 करोड़ इसी के साथ जो है 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी। बता दें दोस्तों फिल्म भारत की शौचालय और इसके अलावा समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और इसके अलावा जो है धार्मिक भावनाओं के साथ कारण होती है, जहाँ पे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकताएं नहीं होता है, जो महिलाओं को निराश करता है। इसी के साथ जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है अक्षय कुमार के लिए। इसी के साथ बता दें दोस्तों फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल ने लिखा था, जो 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक से टकरा गया था और ये एक सच्ची घटना के साथ जो है कुछ समानताएं भी साझा कर रहे थे। इसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी, जब शौचालय नहीं था उसके घर में। तो फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख है कि ये मध्य प्रदेश की अनिता नरे की कहानी पर आधारित है। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता परवीन के साथ व्यवसाय ने निर्माता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी वृत्त चित्र मनाने के लिए था, जहाँ पे दृश्य और संवादों को चोरी कर लिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा। फिल्म के ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा बता दें फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11.6 के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग मिली है। इसकी औसत रेटिंग जो है 5.43 मानी जाती है। इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5.4 स्टार देते हुए कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज के लिए एक आईना रखते हैं, हमें देखते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वास के साथ ग्रामीणों और इसके अलावा आलसी जो है प्रशासन होते हैं और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया के सबसे बड़े में बदल दिया था। इसके अलावा जो है गंदगी तालाब विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो है मवेशियों की तुलना में अधिक जो है गंदगी फैलाते हैं, के जरिए ये बतलाया गया था कि मवेशियों के हवाले से हम लोग जो है ज़्यादा यानी कि इंसान जो है ज़्यादा संवेदनशील व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5.2 सितारों की रेटिंग दी और कहा, यह सही है कि अक्षय कुमार ने हरी झंडी दिखाई है फिल्म के लिए और कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में जो एक जो है शक्तिशाली सामाजिक जो है नाटक के बजाय हाउ टू ब्रेक के साथ सोशल और इसके अलावा जो है टैबूस इनके साथ मेड टॉयलेट का अधिक जो है प्राइम रखा गया था। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन लंबी लंबाई और अनसंगन जो है पटकथा की आलोचना भी इन्होंने किया था और इन्होंने फिल्म को 5.3 स्टार की रेटिंग देकर समीक्षा का निष्कर्ष निकाला, ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा
कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक करता है। अलावा दोस्तों ये फिल्म एक पसंद करने वाली फिल्म थी जो एकीकृत करती है और समाज में कई संदियों पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाती है। यहाँ फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, शौचालय एक प्रेम का ताप, एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इसमें सबसे जो है पुलिस पटकथा नहीं हो सकती है क्योंकि लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इसी विषय को अच्छी तरह से संभालने से इसके नेक इरादों का पूरा फायदा मिलता है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने इस फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, यह स्पष्ट है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है लेकिन जबरदस्त जो है पेंडिंग और थकाऊ हो जाती है। अक्षय कुमार सही मात्रा में इस फिल्म के अंदर और इसके अलावा जो है लेबी ट्रीट लाते हैं जहाँ पे भूमि पर निकट चमकती है अपने रूप में। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने बतलाया, इस फिल्म की कहानी मैला है लेकिन यहाँ अपराधी शौचालय एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन ये छुटपुट रूप से मनोरंजन वाली फिल्म थी। इसे 2017 में रिलीज किया गया था और दर्शकों ने फिल्म को अच्छी तरह से पसंद किया था। इसी के साथ दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वार्ष ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतने गंभीर समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये विद्या बालन की प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह लगने लगती है। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा, हालांकि पहले भाग में कुछ जो संभावनाएं अंत तक खोई हुई थी लेकिन आपको बता दें फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने इसे 1.5 स्टार का मूल्यांकन करते हुए कहा था, टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि आपको बता दें माइंसन के साथ जो है स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है चमचा गिरी रखी गई है जहाँ पे अच्छी फिल्म हो सकती थी। लेकिन NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और कहा, जब जो है 10 मिनट की सार्वजनिक सेवा वाली फिल्म को सबसे अच्छा क्या होना चाहिए था तो वह 2.5 घंटे में धैर्य परीक्षण जो है किया था जहाँ पे जमहाई उत्प्रेरण के बाद जो है बदल जाती है। सरकारी योजना के लिए बॉलीवुड का कर्ज जो है ऊंचे और इसके अलावा स्वर्ग से बहुत ज़्यादा यानी कि बदबू आने लगती है जहाँ पे शौचालय एक प्रेम कथा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डेक्कन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और कहा, अभिनेता अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर और देवेंदु शर्मा अपने विचित्र अभी तक जो है शानदार अभिनय से आपका दिल जीत लेते हैं। फिल्म कैंपेन यानी कि अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, दूसरा भाग जो है इसके अलावा व्याख्या की लीला के साथ बन जाती है जहां पे सरकार के लिए बेशरम पलक के साथ जो थकाऊ गीत अनुक्रम में आते हैं। 3000 करोड़ का शौचालय घोटाला और इसके अलावा हृदय का एक जो है अक्थमिक के साथ हुए थे अक्थमिया और परिवर्तन सब कुछ जो है जल्दी से एक साथ ले जाता है। बहुत अधिक उपदेश ये रखे गए थे कि पर्याप्त जो है मंच नहीं है, 2.5 घंटे में ये बहुत लंबा है और बहुत जो है संतोषजनक भी है। जहाँ पे NDTV की राजा सेन ने फिल्म को 5.2 स्टार दिया और कहा, अक्षय कुमार ईमानदार है लेकिन ये फिल्म बहुत जो है दर्दनाक है और प्रभावित होने के लिए उपेदनशील भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों, ऑडियो के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑडियो आइकॉन यूट्यूब पर ऑडियो और इसके अलावा ज्यूक बॉक्स पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म के साउंड जो है विक्की प्रसाद, मानस शेखर के द्वारा और सचेत जो है परंपरा द्वारा रचित किया गया था। यहाँ पे फिल्म के गीत सिद्धार्थ करीमा द्वारा लिखे गए थे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए थे। हंस मत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रेक है जो 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था जहाँ पे सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया। दूसरे ट्रैक के बारे में हम बात कर तो बेखदा 5 को जारी किया गया था जहाँ पे जुलाई 2017 में रिलीज किया गया था। और तीसरे गीत के बारे में हम बात कर तो गोरी तू लट के साथ जो है काफ़ी अच्छे गीत थे जो सोनू निगम और पलक जो है मुछल ने गाए थे जो 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे साउंड 13 जुलाई 2017 को तीसरी धारा जारी किया गया था और इसमें 5 गाने शामिल है जो अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत जो है टॉयलेट का
जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड एड के साथ जो है रिलीज नहीं किया गया था। ये फिल्म 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था और उधन वंचित भी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव में से ये कहानी स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव जहां पे नंद गांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआत घंटों में अपने गांव से दूर जो है नंद गांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौचालय करने जाते हैं। इसके अलावा केशव को एक काली जो है मेंस से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वह उसके पिता जो है पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे और वह अंधविश्वासी पुजारी है। इसके अलावा वह उनका जो है मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंसे से विवाह केशव के भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। इसके अलावा केशव एक जो है शिक्षित कॉलेज में जाने वाली लड़की जय से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और वह अंततः उसे शादी करने के लिए मना लेता है। किसी भी तरह केशव जो शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके पिता का ये मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएँ हाथ में 2 अंगूठे हो, क्योंकि जया इस अवसरता को पूरा नहीं करती। केशव ने एक जो है कृत्य के साथ जो अंगूठा बनाया और उसे जो है जया को दे देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के बेबस के साथ जो है पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। यहाँ पे केशव के घर में पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में चली जाती है, लेकिन बिना शौच किए जो है उत्तेजित के साथ जो है होकर वापस आ जाती है और केशव से इसकी जो है शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जय को शौचालय की जरूरत के बारे में अपनी जो है जिद को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद भी जया जो है अडिग हो जाती है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ जो स्थायी समस्याएं करती है, जहाँ पे पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाया जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी के साथ जो है बुजुर्ग महिलाओं के पोर्ट ब्लॉक या शौचालय हो जाते हैं, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहाँ पे वास्तव में बिना अपने जो है घर में एक शौचालय का निर्माण करना, लेकिन आपको बताया थोड़ी देर बाद एक जो है दिन शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाता है। और इसके अलावा उत्तेजित के साथ जो है निशा जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए नृत्य हो जाती है, जहाँ पे प्रयास के बाद देश, जिसके बाद जो है केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियम कान के साथ जो है पदाधिकारियों से संपर्क करता है और वह अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू कर देता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और उसके अलावा जो सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय के पूरे तरह से नष्ट कर होने के साथ जो है पहले उठ जाता है और उसे पूरी तरह से जो है ध्वस्त होने से बचा लेता है। दोस्तों फिल्म की कहानी में तो ट्विस्ट आ ही गया, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन में वो शौचालय करने के लिए जाती है तो एक दिन ट्रेन का जो है डब्बा बंद हो जाता है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाराज होकर अपने घर चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए निरंतर जो है प्रयास के बाद केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियामक के साथ परी अधिकारियों से संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब जो है निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच जो है शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जब लोग तोड़ने जाते हैं तो तोड़ने से पहले केशव जाग जाता है, जबकि केशव अभी भी सो रहा था, लेकिन केशव शौचालय को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लेता है और पूरी तरह से ध्वस्त होने से रोक देता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे शौचालय बने और सभी घर में शौचालय लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ी जो पुरानी प्रेम कथा है फिल्म के अंदर जो दिखलाया गया, पुरानी कहानी को लेकर फिल्म को आए थे अक्षय कुमार, जो 2017 में सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। अब एक तरफ जया जो है अभी भी स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक जो है कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल कर देती है। अपनी अनूठी जो है प्रकृति के कारण यह मामला जो है मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में
शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और इसके अलावा संबंधित जो सरकारी विभाग हरकत में आ गए थे, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अड़िग रहे थे। केशव का पिता का ये कहना है कि शौचालय हम नहीं बनाएंगे और उस पर अड़े रहे, जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पे गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर दिए जाते हैं और जोर जोर से रोने लगती है। वो असंभव जो है चल नहीं सकती और इसके अलावा शौच के लिए खेतों में जा नहीं पाएगी। खेतों में जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है। केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा से बाद में केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जो है अधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया जाता है कि वह तलाक न दे क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो है युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जैसे उसकी जीत के लिए माफ़ी मांगते हैं और अंतिम जो है क्रेडिट में उनके लास्ट में जितने भी ग्रामीण थे अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाते हैं और जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोग को पता ही है क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर कंपनी की कोई भी मूवी को अपलोड नहीं कर सकती, मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी की कहानी श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित की गई थी और निर्देशित किया गया था। ये फिल्म 2017 में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित किए गए फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय किए थे। दोस्तों भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अभियान के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर दिया गया था फिल्म के अंदर। ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी जो अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की 41वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये 210 करोड़ से अधिक की कमाई किया था जो यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी संस्कृति और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म जो है 63वें इस फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण के लिए और सिंह के लिए और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए शामिल था। दोस्तों फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और ग्रामीण वाहल द्वारा लिखा गया था। तो इस फिल्म की कहानी गरिमा वाहल ने लिखा था जो 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक थे। ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ जो समानताएं साझा करती है। इसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था। कारण कर फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख किया गया है कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर की कहानी पर आधारित है। इसने जो है अपने पति के साथ जो है शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माण जो है परवीन के साथ वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी जो है वृत्तचित्र मनाने के लिए और दृश्यों और संवादों को चोरी कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को हम बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बगैर देरी की आज की मूवी रिव्यू बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन दिया है भाईकॉन 18 मोशन ने, साथ ही साथ की आर्ट्स एंटरटेनमेंट ने और फ्राइडे फिल्म वर्क ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जी हाँ फ्रेंड्स, केफ ऑफ गुड फिल्म के बैनर तहत इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में अक्षय कुमार,
केशव शर्मा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले भूमि पेट नेकर के बारे में, तो जया शर्मा के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई थी। दिव्यांशु शर्मा के बारे में हम बात कर ले तो नारायण के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। साथ ही साथ सहायक एक्टर अनुपम खेर के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में दीनानाथ के रूप में फिल्म में दिखाई दिए हैं। सिद्धेर पांडे फिल्म में पंडित के रूप में दिखाई दिए हैं। ऐसा राजा फिल्म में विद्या जोशी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरिंग स्टार का सब कुछ दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनुपम खेर और भी कई सारे स्टार के इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे वीडियो में बतलाएंगे। इसी के साथ बता दें दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म साल 2017 की हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा संनिर्मित किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेटनेकर अभिनय किए थे। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए फिल्म को बनाया गया था। तो इस फिल्म के जरिए ये मैसेज भी दिया गया था कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़े। इसी तरह दोस्तों फिल्म के जरिए ये बतलाया गया था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी बन गई थी और अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की 41वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये फिल्म 210 करोड़ इसी के साथ जो है 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी। बता दें दोस्तों फिल्म भारत की शौचालय और इसके अलावा समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और इसके अलावा जो है धार्मिक भावनाओं के साथ कारण होती है, जहाँ पे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकताएं नहीं होता है, जो महिलाओं को निराश करता है। इसी के साथ जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है अक्षय कुमार के लिए। इसी के साथ बता दें दोस्तों फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल ने लिखा था, जो 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक से टकरा गया था और ये एक सच्ची घटना के साथ जो है कुछ समानताएं भी साझा कर रहे थे, जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय नहीं था उसके घर में। तो फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख है कि ये मध्य प्रदेश की अनिता नरे की कहानी पर आधारित है। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता प्रवीण के साथ व्यवसाय ने निर्माता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी वृत्त चित्र मनाने के लिए था, जहाँ पे दृश्य और संवादों को चोरी कर लिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा। फिल्म के ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा बता दें फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11.6 के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग मिली है। इसकी औसत रेटिंग जो है 5.43 मानी जाती है। इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5.4 स्टार देते हुए कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज के लिए एक आईना रखते हैं, हमें देखते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वास के साथ ग्रामीणों और इसके अलावा आलसी जो है प्रशासन होते हैं और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया के सबसे बड़े में बदल दिया था। इसके अलावा जो है गंदगी तालाब विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो है मवेशियों की तुलना में अधिक जो है गंदगी फैलाते हैं के जरिए ये बतलाया गया था कि मवेशियों के हवाले से हम लोग जो है ज्यादा यानी कि इंसान जो है ज्यादा संवेदनशील व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के सुब्रत गुप्ता ने फिल्म को 5.2 सितारों की रेटिंग दी और कहा, यह सही है कि अक्षय कुमार ने हरी झंडी दिखाई है फिल्म के लिए और कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में जो एक जो है शक्तिशाली सामाजिक जो है नाटक के बजाय हाउ टू ब्रेक के साथ सोशल और इसके अलावा जो है टेबूस इनके साथ मेड टॉयलेट का अधिक जो है प्राइम रखा गया था। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन लंबी लंबाई और अनसंगन जो है पद कथा की आलोचना भी इन्होंने किया था और इन्होंने फिल्म को 5.3 स्टार की रेटिंग देकर समीक्षा का निष्कर्ष निकाला, ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा
कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक करता है। अलावा दोस्तों ये फिल्म एक पसंद करने वाली फिल्म थी जो एकीकृत करती है और समाज में कई संदियों पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाती है। यहाँ फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, शौचालय एक प्रेम का दाब, एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इसमें सबसे जो है पुलिस पटकथा नहीं हो सकती है क्योंकि लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इसी विषय को अच्छी तरह से संभालने से इसके नेक इरादों का पूरा फायदा मिलता है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने इस फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, यह स्पष्ट है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है लेकिन जबरदस्त जो है पेंडिंग और थकाऊ हो जाती है। अक्षय कुमार सही मात्रा में इस फिल्म के अंदर और इसके अलावा जो है लेबी ट्रीट लाते हैं जहाँ पे भूमि पर निकट चमकती है अपने रूप में। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने बतलाया, इस फिल्म की कहानी मैला है लेकिन यहाँ अपराधी शौचालय एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन ये छुटपुट रूप से मनोरंजन वाली फिल्म थी। इसे 2017 में रिलीज किया गया था और दर्शकों ने फिल्म को अच्छी तरह से पसंद किया था। इसी के साथ दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वार्ष ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतने गंभीर समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये विद्या बालन की प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह लगने लगती है। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा, हालांकि पहले भाग में कुछ जो संभावनाएं अंत तक खोई हुई थी लेकिन आपको बता दें फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने इसे 1.5 स्टार का मूल्यांकन करते हुए कहा था, टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि आपको बतला दें माइंसन के साथ जो है स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है चमचा गिरी रखी गई है जहाँ पे अच्छी फिल्म हो सकती थी लेकिन एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और कहा, जब जो है 10 मिनट की सार्वजनिक सेवा वाली फिल्म को सबसे अच्छा क्या होना चाहिए था तो वह 2.5 घंटे में धैर्य परीक्षण जो है किया था जहाँ पे जमहाई उत्प्रेरण के बाद जो है बदल जाती है। सरकारी योजना के लिए बॉलीवुड का कर्ज जो है ऊंचे और इसके अलावा स्वर्ग से बहुत ज़्यादा यानी कि बदबू आने लगती है जहाँ पे शौचालय एक प्रेम कथा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डेक्कन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और कहा, अभिनेता अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और देवेंदु शर्मा अपने विचित्र अभी तक जो शानदार अभिनय से आपका दिल जीत लेते हैं। फिल्म कैंपेन यानी कि अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, दूसरा भाग जो है इसके अलावा व्याख्या की लीला के साथ बन जाती है जहां पे सरकार के लिए बेशरम पलक के साझे थकाऊ गीत अनुक्रम में आते हैं। 3000 करोड़ का शौचालय घोटाला और इसके अलावा हृदय का एक जो है अक्थमिक के साथ हुए थे अक्थमिय और परिवर्तन सब कुछ जो है जल्दी से एक साथ ले जाता है। बहुत अधिक उपदेश ये रखे गए थे कि पर्याप्त जो है मंच नहीं है, 2.5 घंटे में ये बहुत लंबा है और बहुत जो है संतोषजनक भी है। जहाँ पे एनडीटीवी की राजा सेन ने फिल्म को 5.2 स्टार दिया और कहा, अक्षय कुमार ईमानदार है लेकिन ये फिल्म बहुत जो है दर्दनाक है और प्रभावित होने के लिए उपेदनशील भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों, ऑडियो के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑडियो आइकॉन यूट्यूब पर ऑडियो और इसके अलावा ज्यूक बॉक्स पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म के साउंडर जो है विक्की प्रसाद, मानस शेखर के धारा और सचेत जो है परंपरा धारा रचित किया गया था। यहाँ पे फिल्म के गीत सिद्धार्थ करीमा धारा लिखे गए थे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल धारा गाए गए थे। हंस मत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रेक है जो 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था जहाँ पे सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान धारा गाया गया। दूसरे ट्रेक के बारे में हम बात करें तो बेखदा 5 को जारी किया गया था जहाँ पे जुलाई 2017 में रिलीज किया गया था। और तीसरे गीत के बारे में हम बात करते हैं गोरी तू लट के साथ जो है काफ़ी अच्छे गीत थे जो सोनू निगम और
पलक जो है मुछल ने गाए थे, जो 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे साउंड 13 जुलाई 2017 को तीसरी धारा जारी किया गया था और इसमें 5 गाने शामिल है जो अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत जो है टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड के साथ जो है रिलीज नहीं किया गया था। ये फिल्म 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था और उधर वंचित भी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव में से ये कहानी स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव जहां पे नंद गांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआत घंटों में अपने गांव से दूर जो है नंद गांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौचालय करने जाते हैं। इसके अलावा केशव को एक काली जो है मेंज से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वह उसके पिता जो है पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे और वह अंधविश्वासी पुजारी है। इसके अलावा वह उनका जो है मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंसे से विवाह केशव के भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। इसके अलावा केशव एक जो है शिक्षित कॉलेज में जाने वाली लड़की जय से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और वह अंततः उसे शादी करने के लिए मना लेता है। किसी भी तरह केशव जो शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके पिता का ये मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है इसके बाएँ हाथ में 2 अंगूठे हो, क्योंकि जया इस अवसरता को पूरा नहीं करती। केशव ने एक जो है कृत्य के साथ जो अंगूठा बनाया और उसे जो है जया को दे देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के बेबस के साथ जो है पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। यहाँ पे केशव के घर में पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में चली जाती है, लेकिन बिना शौच किए जो है उत्तेजित के साथ जो है होकर वापस आ जाती है और केशव से इसकी जो है शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जय को शौचालय की जरूरत के बारे में अपनी जो है जिद को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद भी जया जो है अडिग हो जाती है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ जो स्थायी समस्याएं करती है, जहाँ पे पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाया जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी के साथ जो है बुजुर्ग महिलाओं के पोर्टेबल शौचालय हो जाते हैं और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहाँ पे वास्तव में बिना अपने जो है घर में एक शौचालय का निर्माण करना, लेकिन आपको बताया थोड़ी देर बाद एक जो है दिन शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाता है। और इसके अलावा उत्तेजित के साथ जो है निशा जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए नृत्य हो जाती है, जहाँ पे प्रयास के बाद देश, जिसके बाद जो है केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियम कान के साथ जो है पदाधिकारियों से संपर्क करता है और वह अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू कर देता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और उसके अलावा जो सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट कर होने के साथ जो है पहले उठ जाता है और उसे पूरी तरह से जो है ध्वस्त होने से बचा लेता है। दोस्तों फिल्म की कहानी में तो ट्विस्ट आ ही गया, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन में वो शौचालय करने के लिए जाती है तो एक दिन ट्रेन का जो है डब्बा बंद हो जाता है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाराज होकर अपने घर चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए निरत जो है प्रयास के बाद केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियामक के साथ परी अधिकारियों से संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब जो है निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच जो है शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जब लोग तोड़ने जाते हैं तो तोड़ने से पहले केशव जाग जाता है, जबकि केशव अभी भी सो रहा था, लेकिन केशव शौचालय को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लेता है और पूरी तरह से ध्वस्त होने से रोक देता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे शौचालय बने और सभी घर में शौचालय लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ी जो पुरानी प्रेम कथा है फिल्म के अंदर जो दिखलाया गया, पुरानी कहानी को लेकर फिल्म को आए थे अक्षय कुमार, जो 2017 में सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। अब एक तरफ जया जो है अभी भी
स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक जो है कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल कर देती है। अपनी अनूठी जो है प्रकृति के कारण यह मामला जो है मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और इसके अलावा संबंधित जो है सरकारी विभाग हरकत में आ गए थे, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अड़िग रहे थे। केशव का पिता का ये कहना है कि शौचालय हम नहीं बनाएंगे और उस पर अड़े रहे, जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पे गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर दिए जाते हैं और जोर जोर से रोने लगती है। वो असंभव जो है चल नहीं सकती और इसके अलावा शौच के लिए खेतों में जा नहीं पाएगी, खेतों में जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है। केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा से बाद में केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं, तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जो है अधिकारी जो है नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया जाता है कि वह तलाक न दे क्योंकि उनके गांव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो है युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जैसे उसकी जीत के लिए माफी मांगते हैं और अंतिम जो है क्रेडिट में उनके लास्ट में जितने भी ग्रामीण थे अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाते हैं और जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोग को पता ही है क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे कंपनी कि कोई भी मूवी को अपलोड नहीं कर सकती, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी की कहानी श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित की गई थी और निर्देशित किया गया था। ये फिल्म 2017 में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित किए गए फिल्म में अक्षय कुमार और भूमिपेट नेकर अभिनय किए थे। दोस्तों भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अभियान के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर दिया गया था फिल्म के अंदर। ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी जो अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की 41वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये 210 करोड़ से अधिक की कमाई किया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी। इसी तरह दोस्तों फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी संस्कृति और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकता नहीं है जो महिलाओं को निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म जो है 63वें इस फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण के लिए और सिंह के लिए और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए शामिल था। दोस्तों फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और ग्रामीण वाहल द्वारा लिखा गया था। तो इस फिल्म की कहानी गरिमा वाहल ने लिखा था जो 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक थे। ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ जो समानताएं साझा करती है जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था। कारण बतलाकर फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख किया गया है कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर की कहानी पर आधारित है जिसने जो है अपने पति के साथ जो है शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माण जो है परवीन के साथ वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी जो है वृत्त चित्र मनाने के लिए और दृश्यों और संवादों को चोरी कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को हम बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बगैर देरी की आज की मूवी रिव्यू
मत्स्य पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और इसके अलावा जो धार्मिक भावनाओं के साथ कारण होती है, जहाँ पे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकताएँ नहीं होता है, जो महिलाओं को निराश करता है, इसके साथ जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म को 63वें फिल्म पर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है अक्षय कुमार के लिए। इसी के साथ बता दें दोस्तों, फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल ने लिखा था, जो 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक से टकरा गया था और ये एक सच्ची घटना के साथ जो है कुछ समानताएं भी साझा कर रहे थे। इसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय नहीं था उसके घर में। तो फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख है कि ये मध्य प्रदेश की अनिता नरे की कहानी पर आधारित है। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता परवीन के साथ व्यवसाय ने निर्माता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी वृत्तचित्र बनाने के लिए था, जहाँ पे दृश्य और संवादों को चोरी कर लिया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा। फिल्म के ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा बता दें फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11.6 के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग मिली है। इसकी औसत रेटिंग जो है 5.43 मानी जाती है। इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5.4 स्टार देते हुए कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज के लिए एक आईना रखते हैं, हमें देखते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वास के साथ ग्रामीणों और इसके अलावा आलसी जो है प्रशासन होते हैं और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया के सबसे बड़े में बदल दिया था। इसके अलावा जो है गंदगी तालाब विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो है मवेशियों की तुलना में अधिक जो है गंदगी फैलाते हैं के जरिए ये बतलाया गया था कि मवेशियों के हवाले से हम लोग जो है ज्यादा यानी कि इंसान जो है ज्यादा संवेदनशील व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5.2 सितारों की रेटिंग दी और कहा, यह सही है कि अक्षय कुमार ने हरी झंडी दिखाई है फिल्म के लिए और कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में जो एक जो है शक्तिशाली सामाजिक जो है नाटक के बजाय हाउ टू ब्रेक के साथ सोशल और इसके अलावा जो है टैबूस इनके साथ मेड टॉयलेट का अधिक जो है प्राइम रखा गया था। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन लंबी लंबाई और अनसंगन जो है पद कथा की आलोचना भी इन्होंने किया था और इन्होंने फिल्म को 5.3 स्टार की रेटिंग देकर समीक्षा का निष्कर्ष निकाला, ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक करता है। अलावा दोस्तों, ये फिल्म एक पसंद करने वाली फिल्म थी जो एकीकृत करती है और समाज में कई संदियों पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाती है। यहाँ फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, शौचालय एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इसमें सबसे जो है पुलिस पटकथा नहीं हो सकती है क्योंकि लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इसी विषय को अच्छी तरह से संभालने से इसके नेक इरादों का पूरा फायदा मिलता है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने इस फिल्म को 5.2 स्टार दिए और कहा, यह स्पष्ट है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है लेकिन जबरदस्त जो है पेंडिंग और थकाव हो जाती है। अक्षय कुमार सही मात्रा में इस फिल्म के अंदर और इसके अलावा जो है लेबी ट्रीट लाते हैं जहाँ पे भूमि पर निकट चमकती है अपने अरूप में। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने बतलाया, इस फिल्म की कहानी मैला है लेकिन यहाँ अपराधी शौचालय एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन ये छुटपुट रूप से मनोरंजन वाली फिल्म थी जिसे 2017 में रिलीज किया गया था और दर्शकों ने फिल्म को अच्छी तरह से पसंद किया था। इसी के साथ दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 5.5 स्टार देते हुए कहा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतनी गंभीर से
समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये विद्या बालन की प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह लगने लगती है। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा, हालांकि पहले भाग में कुछ संभावनाएं अंत तक खोई हुई थी, लेकिन आपको बता दें फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने इसे 1.5 स्टार का मूल्यांकन करते हुए कहा था, टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि आपको बता दें माइंसन के साथ जो स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है चमचा गिरी रखी गई है जहाँ पे अच्छी फिल्म हो सकती थी, लेकिन एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और कहा जब जो है 10 मिनट की सार्वजनिक सेवा वाली फिल्म को सबसे अच्छा क्या होना चाहिए था, तो वह 2.5 घंटे में धैर्य परीक्षण जो है किया था जहां पे जमहाई उत्प्रेरण के बाद जो है बदल जाती है। सरकारी योजना के लिए बॉलीवुड का कर्ज जो है ऊंचे और इसके अलावा स्वर्ग से बहुत ज़्यादा यानी कि बदबू आने लग गई जहाँ पे शौचालय एक प्रेम कथा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डेक्कन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और कहा अभिनेता अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर और देवेंदु शर्मा अपने विचित्र अभी तक जो शानदार अभिनय से आपका दिल जीत लेते हैं। फिल्म कैंपेन यानी कि अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा दूसरा भाग जो है इसके अलावा व्याख्या की लीला के साथ बन जाती है जहां पे सरकार के लिए बेशरम पलक के साझे थकाऊ गीत अनुक्रम में आते हैं। 3000 करोड़ का शौचालय घोटाला और इसके अलावा हृदय का एक जो है अक्थमिक के साथ हुए थे अक्थमिया और परिवर्तन सब कुछ जो है जल्दी से एक साथ ले जाता है। बहुत अधिक उपदेश ये रखे गए थे कि पर्याप्त जो है मंच नहीं है, 2.5 घंटे में ये बहुत लंबा है और बहुत जो है संतोषजनक भी है। जहाँ पे एनडीटीवी की राजा सेन ने फिल्म को 5.2 स्टार दिया और कहा अक्षय कुमार ईमानदार है लेकिन ये फिल्म बहुत जो है दर्दनाक है और प्रभावित होने के लिए उपेदनशील भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों, ऑडियो के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑडियो आइकॉन यूट्यूब पर ऑडियो और इसके अलावा ज्यूक बॉक्स पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म के साउंडर जो है विक्की प्रसाद, मानस शेखर के धारा और सचेत जो है परंपरा धारा रचित किया गया था। यहाँ पे फिल्म के गीत सिद्धार्थ करीमा धारा लिखे गए थे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल धारा गाए गए थे। हंसमत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रैक है जो 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था जहाँ पे सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान धारा गाया गया। दूसरे ट्रैक के बारे में हम बात करें तो बेखदा 5 को जारी किया गया था जहाँ पे जुलाई 2017 में रिलीज किया गया था। और तीसरे गीत के बारे में हम बात करें तो गोरी तू लट के साथ जो है काफ़ी अच्छे गीत थे जो सोनू निगम और पलक जो है मुछल ने गाए थे जो 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे साउंड 13 जुलाई 2017 को तीसरी धारा जारी किया गया था और इसमें 5 गाने शामिल हैं जो अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद धारा गाए गए गीत जो है टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था, लेकिन साउंड के साथ जो है रिलीज नहीं किया गया था। ये फिल्म 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था और उधन वंचित भी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों, फिल्म के कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव में से ये कहानी स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव जहां पे नंद गांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआत घंटों में अपने गांव से दूर जो है नंद गांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौचालय करने जाते हैं। इसके अलावा केशव को एक काली जो है मेंज से शादी करनी पड़ती है क्योंकि वह उसके पिता जो है पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे और वह विश्वासी पुजारी है। इसके अलावा वो उनका जो है मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंसे से विवाह केशव के भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। इसके अलावा केशव एक जो शिक्षित कॉलेज में जाने वाली लड़की जय से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और वह अंततः उसे शादी करने के लिए मना लेता है। किसी भी तरह केशव जो शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके पिता का ये मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हो, क्योंकि जया इस अवसरता को पूरा नहीं करती। केशव ने एक जो है कृत्य के साथ अंगूठा बनाया और उसे जो है जया
को दे देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के बेबस के साथ जो है पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। यहाँ पे केशव के घर में पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में चली जाती है, लेकिन बिना शौच किए जो उत्तेजित के साथ जो होकर वापस आ जाती है और केशव से इसकी जो है शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जय को शौचालय की जरूरत के बारे में अपनी जो है जीत को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद भी जया जो है अडिग हो जाती है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ जो स्थायी समस्याएं करती है, जहाँ पे पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाया जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी के साथ जो है बुजुर्ग महिलाओं के पोर्ट ब्लॉक या शौचालय हो जाते हैं, और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहाँ पे वास्तव में बिना अपने जो है घर में एक शौचालय का निर्माण करना, लेकिन आपको बताया थोड़ी देर बाद एक जो है दिन शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाता है। और इसके अलावा उत्तेजित के साथ जो है निशा जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए नियुक्त हो जाती है, जहाँ पे प्रयास के बाद देश इसके बाद जो है केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियम कान के साथ जो है पदाधिकारियों से संपर्क करता है और वह अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू कर देता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और उसके अलावा जो सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय के पूरी तरह से नष्ट कर होने के साथ जो है पहले उठ जाता है और उसे पूरी तरह से जो है ध्वस्त होने से बचा लेता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी में तो ट्विस्ट आ ही गया, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन में वो शौचालय करने के लिए जाती है तो एक दिन ट्रेन का जो है डब्बा बंद हो जाता है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाराज होकर अपने घर चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए निरंतर जो है प्रयास के बाद केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियामक के साथ परी अधिकारियों से संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब जो है निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच जो है शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जब लोग तोड़ने जाते हैं तो तोड़ने से पहले केशव जाग जाता है, जबकि केशव अभी भी सो रहा था, लेकिन केशव शौचालय को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लेता है और पूरी तरह से ध्वस्त होने से रोक देता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे शौचालय बने और सभी घर में शौचालय लगाया जाए। यह एक बहुत बड़ी जो पुरानी प्रेम कथा है फिल्म के अंदर जो दिखलाया गया, पुरानी कहानी को लेकर फिल्म को आए थे अक्षय कुमार, जो 2017 में सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। अब एक तरफ जया जो है अभी भी स्थानीय अदालत में तलाक के लिए प्राथमिक जो है कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए तलाक के लिए फाइल कर देती है। अपनी अनूठी जो है प्रकृति के कारण यह मामला जो है मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। केशव के गांव में शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और इसके अलावा संबंधित जो है सरकारी विभाग हरकत में आ गए थे, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय न होने के अपने फैसले पर अडिग रहे थे। केशव का पिता का ये कहना है कि शौचालय हम नहीं बनाएंगे और उस पर अड़े रहे, जब तक कि एक दिन उनकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पे गिर जाती है, उनके कूल्हे को घायल कर दिए जाते हैं और जोर जोर से रोने लगती है। वह असंभव जो है चल नहीं सकती और इसके अलावा शौच के लिए खेतों में जा नहीं पाएगी, खेतों में जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है। केशव ने सामने के आंगन में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा से बाद में केशव के पिता शौचालय में अपनी माँ की मदद करते हैं, तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जो है अधिकारी जो है नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया जाता है कि वह तलाक न दे, क्योंकि उनके गाँव में शौचालय का निर्माण अगले दिन शुरू किया जाएगा। इसके बाद जो है युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जैसे उसकी जीत के लिए माफी मांगते हैं और अंतिम जो है क्रेडिट में उनके लास्ट में जितने भी ग्रामीण थे अपने गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाते हैं, और जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी समाप्त हो जाती है। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पे
देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे कंपनी की कोई भी मूवी को अपलोड नहीं कर सकती। ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो टॉयलेट एक फिल्म कथा मूवी की कहानी श्री नारायण सिंह द्वारा लिखित की गई थी और निर्देशित किया गया था। ये फिल्म 2017 में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा सह निर्मित किए गए फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेट नेकर अभिनय किए थे। दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अभियान के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर दिया गया था फिल्म के अंदर। ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता मूवी थी जो अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की 41वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये 210 करोड़ से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली उनकी पहली फिल्म थी। इसी तरह दोस्तों, फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी संस्कृति और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये जो है बुनियादी आवश्यकता नहीं है, जो महिलाओं को निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न की ओर ले जाता है। फिल्म जो है 63वें, इस फिल्म को 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण के लिए और सिंह के लिए और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्षय कुमार के लिए शामिल था। दोस्तों, फिल्म को सिद्धार्थ सिंह और ग्रामीण वाहल द्वारा लिखा गया था। तो इस फिल्म की कहानी गरिमा वाहल ने लिखा था। 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक थे। ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ जो समानताएं साझा करती है, जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी। जब शौचालय उनके घर में नहीं था, कारण बतलाकर फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले शौचालय का उल्लेख किया गया है कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर की कहानी पर आधारित है। इसने जो है अपने पति के साथ जो है शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माण जो है परवीन के साथ वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी जो है वृत्त चित्र मनाने के लिए और दृश्य और संवादों को चोरी कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को हम बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देरी की आज की मूवी रिव्यू दोस्तों बात कर ले रक्षाबंधन फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। तो इस मूवी को कैब अब गुड फिल्म के बैनर तहत, साथ ही साथ जी स्टूडियो के बैनर तहत इस फिल्म को बनाया गया था और ये मूवी 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसी के साथ बात कर ले इस मूवी की रनिंग टाइम के बारे में। तो ये फिल्म 108 मिनट की बनाई गई थी। तो रक्षाबंधन की हम रनिंग टाइम की बात कर रहे हैं तो इस फिल्म को ज्यादा लंबा नहीं बनाया गया, इस फिल्म को शॉर्ट बनाया गया है और ये उम्मीद किया गया था कि शॉर्ट फिल्म होगी तो लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, रक्षाबंधन फिल्म साल 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की परिवार कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनंत एल राय द्वारा निर्देशित की गई और हिमांशु शर्मा और आपको बतला दे कनिका ढिल्लो द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। वहीं पे फिल्म में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, सादिया खातिब और सहजमीन और इस फिल्म में स्मृति श्रीकांत और दीपिका खन्ना अभिनय करते हुए नजर आई थी। रक्षाबंधन फिल्म के अवसरों को चिन्हित करने के लिए 3 अगस्त 2020 को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की गई थी। अक्षय कुमार ने कहा था कि ये उनके करियर के सबसे तेज फिल्म है और फिल्म को उनकी बहन अलका और आपको बतला दें किरण अंदानी को समर्पित किया गया था, जो सह निर्माता के रूप में भी काम की थी फिल्म के अंदर। दोस्तों, फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 21 जून 2021 को शुरू हुई थी और पहले शेड्यूल के बारे में हम बात कर ले तो 2021 में मुंबई में समाप्त हुए थे। ये फिल्म 12 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में पूरी हुई थी और वहीं पर इस फिल्म की संगीत कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो रक्षाबंधन के लिए कलाकार अपने रिलीज से पहले भारत भर के विभिन्न शहरों का दौरा करने के लिए प्रचार के दौर किए थे। अभिनेता अक्षय कुमार, अनंत एल राय के साथ आपको बताए सादिया खातिब, इमृति श्रीकांत और जितने भी इस फिल्म में स्टार कास्ट थे, उन सब सहित जो है टीम ने दुबई, पुणे और इंदौर और आपको बता दें हैदराबाद का दौरा किया। जो 7 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन फिल्म की टीम ने एक मल्टीप्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हैदराबाद का दौरा भी किया।
किया था। इसी के साथ अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी ऑन स्क्रीन बहनों को कुछ मोटी की और आपको बता दें खरीदारी के लिए दुर्गा गोल्ड एंड के साथ सिल्वर दुर्गा और ज्वेलर्स में यानी कि प्रसिद्ध MG रोड पर ले गए थे और उपहार देने की परंपरा को जारी रखा था। या दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अक्षय कुमार के करियर की, जो 2022 में मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म से उम्मीद थी कि मूवी अच्छी कमाई करेगी। इसी को देखते हुए फिल्म को रक्षाबंधन के अवसर पर रिलीज किया गया कि लोग इस फिल्म को रक्षाबंधन के उसे देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिल्म 10 करोड़ से अधिक के नुकसान कर लिया है। इसी के साथ बता दें ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन और स्वतंत्र दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। इसके साथ रक्षाबंधन ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस में 8.20 करोड़ से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 6 करोड़ से अधिक के कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 6.5 करोड़ से अधिक के कलेक्शन किया था। चौथे दिन फिल्म ने कुल घरेलू मिला के 28.16 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। सातवें दिन फिल्म ने 7 करोड़ से अधिक की संग्रह किया था। इसी के साथ 21 अगस्त 2022 तक फिल्म ने भारत में 50.24 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 6.3 मिलियन और विदेशों में 8.76 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.1 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो 7.4 मिलियन के सकल संग्रह के लिए ये मूवी कमाई की और फिल्म ने 10 करोड़ से अधिक के नुकसान कर लिया। बॉलीवुड हंगामा की तरफ से आलोचक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा अक्षय कुमार अभिनीत रक्षाबंधन एक मार्मिक पारिवारिक कहानी वाली मूवी है, जो अत्यधिक भावनात्मक और दूसरी छमाई के साथ फिल्म को ऊपर उठाती है। इसी के साथ डीएनए इंडिया के अमन सर ने इस फिल्म के बारे में अवधारणा की है कि फिल्म को उन्होंने 3.5 में से 3 स्टार रेटिंग दिए और लिखा है अभिनेता अक्षय कुमार का हार्दिक और ईमानदार प्रदर्शन रक्षाबंधन में आप देख सकते हैं। इसी के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा है ये मूवी अत्यधिक भावनात्मक नाटक और आपको बता दें आपको छूने में विफल नहीं है, लेकिन इसमें कहीं कहीं अधिक जो है मनोरंजन घड़ी बनाने की क्षमता थी फिल्म के अंदर। इसी के साथ न्यूज 18 की जीनिया और बंदोपाध्याय ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा है ये मूवी उन फिल्मों में से एक है, इसे आप पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं क्योंकि वे रक्षाबंधन के लिए एक साथ आते हैं। इसके अलावा ये फिल्म आपको हंसी रुला देने वाला कहानी बतलाती है। इश्क रोल इनकी नंदिनी रामनाथ ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और अपने अंदर इन्होंने फिल्म के बारे में रक्षाबंधन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले दुल्हन की कीमत प्रथा की और आपको बता दें बुराइयों के दूर करते हुए उन्होंने कहा है कि आदर्श दुनिया में महिलाओं को दहेज की मांग करनी चाहिए। इसी के साथ द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा है कि क्या फिल्म निर्माता वास्तव में इस तरह के कम यानी किराए वाले पारिवारिक नाटकों में से हास्य और क्रूरता के सहस्य मिश्रण के साथ विश्वास करते हैं। यदि करते हैं तो NDTV के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार रेटिंग दिया है और लिखा है ये फिल्म विश्वसनीय करना चाहिए कि फिल्म 2022 में इस तरह की फिल्म बनाई जाएगी जहां पर रक्षाबंधन की लड़कियां फिल्म की तरह ही एक जो है समस्या के ताना बनाने में फंस जाती है, जो फिल्म के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि अक्षय कुमार की फिल्में एक मनोरंजन घड़ी होने का प्रबंध करते हुए मुद्दे को छोटा किना यानी कि छोटे किए बिना दहेज पर एक मजबूत संदेश दे सकता है। या दोस्तों आपने सही सुना। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं रक्षाबंधन फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी लाला केदारनाथ के साथ स्टार्ट होता है, जो गायत्री दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती नाम की चार बहनों में सबसे बड़े हैं और एक लौते भाई है जो प्रेम लता के साथ जो है चाट भंडार नाम से एक चाट की दुकान चलाते हैं, जिसे उनके दादा ने शुरू किया था। इस बिजनेस को उनके दादा ने शुरू किया था। लाला ने अपनी कमजोर माँ से उसकी मृत्यु पर वादा किया था कि वह तभी शादी करेगा जब वह अपनी बहनों की शादी पहले उपयुक्त घरों में करने की जिम्मेदारी को पूरा कर लेगा। इसके अलावा अपने पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखते हुए अपनी बहनों की शादी करने के लिए लाला के अधक के साथ जो है प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी की सनवली के साथ त्वचा दुर्गा के वजन और सरस्वती के मर्दाना और आपको बता दें व्यवहार के कारण उपयुक्त जो है वर खोजने में बहुत ज़रा बधाव का सामना करना पड़ता है अभिनेता को। उसी समय लाला की अपनी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता उसके और उसके बचपन के प्यार सपने के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। इसके अलावा आपको बता दें लाला की मन्नत के महत्व को समझते हुए सपना अपने लक्ष्य के पूरा होने तक इंतजार करने का फैसला कर लेती है।
लेकिन उसके पिता हरीश शंकर उसे शादी के लिए हमेशा परेशान करते हैं। कुछ समय बाद लाला गायत्री के दहेज के लिए 18 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी जाए तो 23 मिलियन से अधिक हो जाती है। दोस्तों दहेज के लिए 18 लाख इकट्ठा करने के बाद गायत्री की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये पता चलता है कि लाला उनका सगा भाई नहीं है और उनकी माँ ने उन्हें बहुत पहले गोद लिया था। लाला अपनी एक किडनी बेचकर दुर्गा और लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जब गायत्री जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है तो ये योजना के औरा को बदला मुताबिक नहीं होती है। उसके पति और आपको बदला ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग करते थे और उसने लाला से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि और अधिक जो है तनाव में आए उसका भाई। लाला को दहेज प्रथा के अभिशाप का एहसास हो जाता है और वह अपनी अन्य तीन बहनों को उनके भविष्य के लिए यानी कि सक्षम बनाने की कसम खाते हैं ताकि वो अपना दूल्हा चुन सके और बिना दहेज के शादी कर सके। लाला ने सपना से सारे संबंध तोड़ दिए और उसे अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए कहा। सपना की शादी के दिन हरीश शंकर को पता चलता है कि वह अभी भी लाला से प्यार करती है और उससे गठबंधन तोड़ने के लिए कहती है। सपना शादी तोड़ देती है और लाला का इंतजार करने का फैसला करती है। अब 12 साल बाद लक्ष्मी जो है शो पेड़ से शादी कर लेते हैं, जिसके साथ सपना की शादी हो रही थी, लेकिन सगाई टूटने के बाद वह लक्ष्मी के लिए गिर जाता है और दुर्गा अपनी जो है इनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक वकील बन जाती है, जहां वह गायत्री के पति को दहेज के आरोप में जेल भेज कर सजा दिलाती है। बाद में वह अपने सहपाठी से शादी कर लेते हैं जो कि सरस्वती पुलिस बन जाती है और अपने सहयोग से शादी कर लेते हैं। अंत में लाला अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के बाद 60 साल की उम्र में सपना से शादी कर लेता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म को। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन फिल्म की अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के बारे में। तो दोस्तों पेडनेकर की अभिनय की शुरुआत यश राज फिल्म द्वारा निर्मित की गई और शरद कटारिया द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के फिल्म से शुरुआत हुआ था, जो साल 2015 में आयुष्मान खुराना के चरित्र की अधिक वजन वाली पत्नी के रूप में हुई थी। आपको बता दें राजीव मंसद ने समीक्षा की कि पेडनेकर फिल्म को एक निश्चिंत मोड के साथ चुरा लिया था। सहजता से आपको बता दें कि संध्या की देखभाल करने के लिए उसे कभी भी एक जो है नारेबाजी आत्मा और आपको बता दयालु जो है करी केचर में कम किए बिना फिल्माने के बाद उसने जो है सपना वजन कम करना शुरू कर दिया और तरीकों और आपको बता दें यूट्यूब को साझा किया था। इसके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया का एक जो है व्यावसायिक सफलता दम लगा के हैसा मूवी ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और पेडनेकर को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उस वर्ष उन्होंने वाई फिल्म की 4 भागों वाली मिनी वेब के साथ सीरीज में और आपको बता दें मैंस वर्ल्ड में चित्रित किया गया था और इसके अलावा लैंगिक जो है समस्या के विषय पर आधारित जो है इसका यूट्यूब पर डिजिटल प्रीमियर भी हुआ था। 2 साल बाद पेडनेकर को ग्रामीण जो है भारत में एक युवा महिला के रूप में वैंग जो है शौचालय एक प्रेम कथा फिल्म अक्षय कुमार के साथ ये मूवी रिलीज हुई थी, जिसे साल 2017 में लिया गया था, जो अभिनेता अक्षय कुमार के विपरीत खुले में शौचालय के अनुमान के साथ उन्मोल पर जोर देती है और कहानी को नापसंद करने के बावजूद NDTV के सेबल चटर्जी ने मांस और आपको बता दें ING के लिए एक ताजा संबंधित कॉलेज टॉपर के लिए उनकी प्रशंसा की, जो एक मिनी क्रांति के लिए प्रमुख जो है उत्प्रेरण बन गया था। दुनिया भर में फिल्म ने 3 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी जाए तो 38 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी और पेडनेकर की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म के रूप में मूवी उभरा था। उस वर्ष बाद में आपको बता दें शुभ मंगल सावधान में खुराना के साथ उनके प्रदर्शन पर स्वतंत्र दोष पर एक जो है वैंग ने पेडनेकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अपना पहला नामांकन दिलाया था। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है कि पेडनेकर एक बार फिर जो है हमें याद दिलाते हैं कि प्यार की तलाश में वह एक सच्ची ईमानदार से अच्छाई वाली युवती के रूप में फिल्म के अंदर कितनी अस्वस्थ हो सकती है, लेकिन इस बात से दुखी थी कि उसे उस तरह की भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जा रहा था, जो शुभ मंगल और सावधावना ने दुनिया भर में 700 मिलियन से अधिक की कमाई कर गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो
8.8 मिलियन से आधे की कमाई की थी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज में जोया अख्तर के, आपको बता दें, सेगमेंट ने पेट नेकर की साल 2018 की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति को चिन्हित किया। उसने एक नौकरानी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जिसका उसके, आपको बता दें, नियोक्ता के साथ संबंध किए गए थे। NDTV के लिए लिखते हुए राजा सेन ने अख्तर के खेल को संकलम कहा था सर्वश्रेष्ठ माना, और आपको बता दें पेट नेकर को इसमें अच्छे से अच्छा पाया था। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे भूमि पेट नेकर के बारे में, और आपको बता दें रक्षाबंधन मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन फिल्म को कहानी की मूवी की कहानी को फुल यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, क्या रीजन थे, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन फिल्म के कुछ रीजन को जानना चाहते हैं जिसके वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अभिषेक चौबे की क्राइम ड्रामा शौचालय फिल्म रिलीज होने के बाद, शौचालय मूवी रिलीज होने के बाद, जिसमें पेट नेकर की साल 2019 की पहली रिलीज मूवी मानी जाती थी, और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ ग्रामीण चंबल फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी उसी साल। इसी तैयारी में उसने अपने चरित्र के तौर तरीकों और चाल को चित्रित करने के लिए 2.5 महीने का शारीरिक प्रशिक्षण लिया था। उसने बंदूक चलाना भी सीखा था। फिल्म कैंपेन यानी कि राहुल देसाई ने फिल्म में सूक्ष्मता और इसके प्रदर्शन की प्रशंसा की, और पेड़नेकर को चुपचाप को, और आपको बता दे, नाट्य की एक जो है अपाहार्य भावना और उधार देने का श्रेय दिया गया था। उन्होंने अगली बार तुषार हिरण अंदानी की जीवनी फिल्म सांड की आंख में, और आपको बता दें सेफ टू जेनेरियर के साथ जो है शार्प शूटर चांद्रो फिल्म में तोमर के रूप में अभिनय किया था, जिसमें जो है तापसी पन्नू के साथ उनकी भाभी प्रकाशी तोमर की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई गई थी। तैयारी में पन्नू और पेट ने कर दो महिलाओं के साथ समय बिताया करते थे, और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण इन्होंने लिया। वह कृत्रिम के साथ मेकअप पहनकर ग्रामीण में फिल्माने से तवज्जा की एलजी से पीड़ित थी, जहां पे मेंट की उदिता झुंझुनवाला ने लिखा है पन्नू और पेटनेकर उद्धट और साहसी दिखते फिल्म के अंदर, और उनके शरीर की भाषा और मुद्रा जो है परिवर्तनशील होने के बावजूद वे अपने अंगों को गले लगा लेती है। दोनों अभिनेत्री को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था। आपको बतला दें, हिट स्टार होने के बाद शहर की महिलाओं के अपने चित्रण को जारी रखते हुए पेड़नेकर ने बाला और पति पत्नी और वो दोनों साल 2019 में अभिनय किया था। इसके अलावा पूर्वा ने खुराना के साथ अपने तीसरे सहयोग को चिन्हित करते हुए इनको देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक गहरे रंग की महिला की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जो अपनी त्वचा के रंग के कारण, आपको बता दें, पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ गया था। इसी गोरी चमड़ी वाली महिला को भूमिका में लेने के लिए विवाद पैदा हुआ था, लेकिन पेड़नेकर ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह एक अभिनेता को किसी भी भूमिका को निभाने की अनुमति देने जानी चाहिए, और पति पत्नी और वह इसी नाम की मूवी, जो 1978 की फिल्म की रीमेक बनाई गई थी, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की सह अभिनीत ने उन्हें एक गृहिणी के रूप में एक पति के साथ चित्रित किया था, और अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि ये भूमि पेड़नेकर की उत्साह वाली फिल्म है, जहां पे वेदिका है जो कि सामग्री को एक जो है यानी कि पैदान ऊपर उठा लेते हैं, जो भूमि के पास एक बुद्धिमान हो जाती है। इसी फिल्म के कुछ सबसे अजीब दृश्यों को बचाते हैं, और खासकर जो है चरमोत्कर्ष में बाला और पति पत्नी और वो दोनों के साथ जो है यानी कि व्यावसायिक रूप से सफल प्रत्येक ने दुनिया भर में 1 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक की कमाई की, और ये फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। यह दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं शायद आप नहीं जानते होंगे। फ्रेंड, अगर आप रक्षाबंधन फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बता दोस्तों, डॉली किड और वो चमकते हुए सितारे, जो कि अलंकृता के साथ विश्वास धारा निर्देशित की गई थी, और कोकना सेन शर्मा की सह अभिनीत वाली फिल्म को 2019 में 24वें बुसान के साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था, और बाद में 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इस रोल इनकी नंदिनी रामनाथ ने लिखा है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी पेड़नेकर को उनके सह कलाकार सेन शर्मा ने भारी पड़ गया था, यानी कि शर्मा द्वारा भारी पड़ गया था उनके ऊपर, जो बहरहाल
दोनों अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकित प्राप्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी ड्रामा शुभ मंगल ज्यादा सावधान के साथ और हॉरर फिल्म भूत पर्व के साथ जो है हॉन्टेड शिप में संक्षिप्त भूमिकाएं निभाई थी। उस वर्ष पेडनेकर ने डरावनी फिल्म जो है भागमती के रीमेक में अभिनय किया था, जिसका नाम दुर्गामती रखी गई थी, जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। एक टीकी समीक्षा में हिंदुस्तान टाइम्स के रोहन नाहर ने फिल्म को और पेडनेकर के प्रदर्शन को नापसंद किया था। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद पेडनेकर ने राजकुमार राव के साथ कॉमेडी ड्रामा बधाई दो फिल्म साल 2022 में अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। एक जो है यानी कि लवेंडर विवाह में, और आपको बता दें समलैंगिक जो है व्यक्तित्व के रूप में अभिनय किया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने LGBT के साथ विषय के साथ फिल्म के संचालन की प्रशंसा की और पेडनेकर के प्रदर्शन को संवेदनशील बारीक और बिंदु पर पाया था। पेडनेकर अगली बार जो है शशांक खेतान की कॉमेडी गोविंदा नाम मेरा है में अभिनय किया। गोविंदा नाम मेरा में विक्की कौशल के साथ और कियारा आडवाणी के साथ सह कलाकार होंगे। वो अनंत एल राय की पारिवारिक फिल्म रक्षाबंधन में अक्षय कुमार के साथ और अनुभव सिन्हा की थ्रिलर भेंट में राजकुमार राव के साथ फिर से काम करेंगी। इसके अतिरिक्त वह थ्रिलर मूवी भाषम यानी कि भाषक के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाएगी और थ्रिलर द लेडी किलर में अर्जुन कपूर के साथ इन्होंने अभिनय भी करेंगी। फ्रेंड्स अब इसी के साथ बात कर लेते हैं फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में। तो दोस्तों कुमार ने सबसे पहले सोगंध फिल्म से अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, जिसे साल 1991 में रिलीज किया गया था। 91 में राखी और आपको बता दें शांति प्रिया के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उस वर्ष उन्होंने किशोर वॉयस के साथ निर्देशित किए गए डांसर फिल्म में अभिनय किया, इसे खराब समीक्षा दी गई। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित की गई सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी फिल्म में अभिनय किया, इसे व्यापक रूप से उनकी सफलता की भूमिका माना गया। द इंडियन एक्सप्रेस में एक समीक्षा में फिल्म को एक मनोरंजन थ्रिलर कहा गया और अभिनेता अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली बताया गया। उनकी शारीरिक उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम में होने के लिए उनकी सराहना की और उनकी अगली रिलीज मूवी जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज सिपिधारा निर्देशित की गई जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड फिल्म थी, जो 1992 में उनकी आखिरी रिलीज मूवी दीदार थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। दोस्तों साल 1993 में उन्हें डॉक्टर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ जो है आपको बता दें केशु राम से धारा निर्देशित की गई दीर्घाषी फिल्म अशांत में अभिनय किया, जो साल 1993 के दौरान रिलीज हुई थी। और उनकी सभी फिल्में जिनमें दिल की बाजी, कायदा कानून, वक्त हमारा है और सैनिक शामिल थे, व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जो साल 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए थे, उनको दो फिल्मों में एक पुलिस और आपको बता दें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। समीर आपको बता दें मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनारी और राजीव राय की मोहरा दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म बन गए थे। उसी वर्ष बाद में और भी इनको सफलता तब मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्मित की गई रोमांस ये दिल लगी फिल्म में काजोल के साथ अभिनय किया। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा की सफलता में से एक माना गया और उनके प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा जो है भरोसेमंद बताया था और उनके प्रदर्शन को अलग किया था, क्योंकि फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ जो है स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। उसी वर्ष के दौरान अक्षय कुमार को सुहाग और कम बजट की फिल्म एक्शन फिल्म जो है ऐलान जैसी फिल्मों में भी सफलता मिल गई, जो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार इन सभी उपलब्धि ने अभिनेता अक्षय कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रूप में स्थापित कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों एक दशक में इन्होंने बहुत सारे फिल्में फ्लॉप दिए थे, जिसकी वजह से इनको दो फिल्में से ज़्यादा जो है सफलता मिली, मोहरा और आपको बता दें मैं खिलाड़ी तू अनारी। ये दो मूवी ऐसी थी कि जो इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे हलचल मचा दी थी, जिसकी वजह से अक्षय कुमार अपने करियर में आगे बढ़ पाए और इनको और भी अधिक फिल्में मिलने लगी। अभिनेता अक्षय कुमार को सफलता मिली, जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में इनको जाना जाने लग गया। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पाँचवीं एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी
1995 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा खिलाड़ी वो खिलाड़ी 1996 में रिलीज हुई थी। दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने ही किया था, क्योंकि व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई उन्होंने पूर्वा में दोहरी भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनीत किया था फिल्म के अंदर, और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शुभ्रा गुप्ता ने एक साल के अंत के समीक्षा में लिखा कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार थे, जिन्होंने गलियारों को पैक किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी लंबाई के बड़े कोट पहने भयानक अंडरटेकर के साथ जो है कुछ दिखी और फिल्म के साथ जो है चले गए। अभिनेता अक्षय कुमार ने यश चोपड़ा के निर्देशित की गई रोमांस दिल तो पागल है फिल्म में अभिनय किया था। यहाँ पे अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित एंड करिश्मा कपूर शामिल थे। 1997 में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के लिए, माधुरी दीक्षित के लिए और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था, जिसके लिए उनको फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पुरस्कार के लिए अपना जो है नामांकन मिला था। उस वर्ष उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित की गई कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी फिल्म में जूही चावला के साथ अभिनय करते हुए देखा गया, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी किस्त थी। श्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत ये फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही थी। हालांकि रोमांटिक एक्शन फिल्म जो है अफलातून में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली। समीक्षक खालिद मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए अभिनेता अक्षय कुमार के प्रयास को मंजूरी दी कि अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग करने के लिए, वह इस अवसर पर आगे बढ़ जाते हैं कि उनकी निम्नलिखित यह के रिलीज व्यावसायिक रूप से विफल रही थी। इसके कारण एक उनके फिल्मी करियर को झटका लग गया, जो साल 1999 में अभिनेता अक्षय कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ खेला था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औसत कमाई करने वाली साबित हुई थी। उधरन वांछित, उन्हें संघर्ष और जानवर फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए आलोचना की गई थी, प्रशंसा मिली थी, जबकि पूर्वा ने बॉक्स ऑफिस पे लाभ नहीं कमाया था और बाद वाला एक व्यावसायिक सफलता साबित हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों, इसी तरह अक्षय कुमार ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे बढ़े और इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। दोस्तों, सारी बात इस वीडियो में हम बतलाएंगे। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप रक्षाबंधन फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। दोस्तों, अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रिया दर्शन धारा निर्देशित की गई कॉमेडी हेरा फिल्म में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। ये फिल्म को मलयालम फिल्म रामजी राव और आपको बता दें स्पीकिंग की रीमेक बनाई गई थी। एक व्यावसायिक सफलता मूवी बन गई और अभिनेता कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानवीय स्थिति की अत्यधिक जो है का गहन चित्रण नोट किया था। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश दर्शन धारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा धड़कन फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में मामूली प्रदर्शन तो किया, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया। फिल्म के बारे में rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह निर्देशक के अभिनेता है और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोरा द्वारा निर्देशित की गई अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए, जो एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 में, जहाँ पे वह एक दौड़ते हुए विमान पर चढ़ जाते हैं, 1000 फीट उड़ती हुई विमान के ऊपर खड़ा हो जाते हैं और विमान से एक गर्म हवा के गुब्बारे पर कूद जाते हैं। बाद में एक दृश्य में उन्हें एक कार धरा पीछा करते हुए गोलियों को चकमा देते हुए इमारतों से कूद जाते हैं और दीवारों पर चढ़ने की भी सीन लिए गए थे। फिल्म में उनके चरित्र के दो नाम थे और उनकी भूमिका को मिली जुली समीक्षा मिली थी, क्योंकि सुकन्या वर्मा ने लिखा है नकारात्मक भूमिकाओं और अक्षय कुमार के साथ साथ ही चलते थे। अक्षय कुमार हास्य शपथ के साथ रूप में शीर्षक पर है और कोर को परेशान करते हैं। हालांकि वह शांत और अनंत के रूप में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं फिल्म के अंदर। हालांकि स्क्रीन के पद्मराज नायर का मानना था कि ये उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक था। इसके अलावा दोस्तों, बता दें साल 2001 में उनकी पहली रिलीज मूवी सुनील दर्शन धरन निर्देशित की गई ड्रामा एक रिश्ता मूवी था, जहाँ पे बॉन्ड ऑफ लव मूवी थी, जो फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए अभिनेता अक्षय कुमार की प्रशंसा की गई थी। इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जो है अजनबी में एक नकारात्मक भूमिका में इनको देखा गया। दोस्तों, फिल्म के बारे में rediff.com के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए सरिता तनवर ने अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्म का सरप्राइज पैकेज करार दिया था और उनसे कहा गया था कि वह बुरे आदमी के रूप में कुल जो है नियंत्रण में थे, जो फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन करने के लिए आईफा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था।
था, जहां दोस्तों आपने सही सुना, क्योंकि अजनबी फिल्म भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। इसमें बॉबी देओल के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया था और खुद अक्षय कुमार इस फिल्म में एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए थे, जिसके वजह से इनको भी बहुत अच्छा प्रशंसा मिली थी। इस भूमिका में इनको बहुत ज़्यादा सराहना मिला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इसके अलावा हम बात करें अक्षय कुमार के बारे में, तो साल 2002 में उनकी पहली रिलीज मूवी धर्मेश दर्शनधारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने भी प्यार किया मूवी थी, जो उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे अर्जुन रामपाल, आदित्य पंचोली और सुष्मिता सेन के साथ आखिरी फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। दोस्तों हाँ मैंने भी प्यार किया के ये मूवी रिलीज होने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल और आदित्य पंचोली के साथ सुष्मिता सेन और परेश रावल के सह कलाकार वाले विपुल अमृतलाल शाह द्वारा और आपको बता दें सुरंगदेव पंडित धारा निर्देशित की गई जो है डकैती फिल्म आंखें में इन्होंने एक कंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने विक्रम भट्ट धारा निर्देशित की गई कॉमेडी आवारा पागल दीवाना फिल्म में देखा गया। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को रिव्यू करते हुए Rediff.com की फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि हेरा फेरी मूवी एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव और आंखें में देखी गई उनकी ईमानदारी और तीव्रता लग रही है, जो वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित की गई सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल और अफ्ताब शिवदास ने अरशद वारसी, आदित्य पंचोली और आपको बता दें अरमान कोहली थे फिल्म के अंदर। और ये फिल्म कोहली की पूर्व फिल्म जो है नायकिन मूवी के रिमेक बनाई गई थी और इससे आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। तरन अदास ने लिखा है कि केवल जो है मुनीश अरमान के साथ और कोहली और अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा एक प्रभाव छोड़ते हैं, जो साल 2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म तलाश द हॉन्ट बिगिनिंग के साथ जो है करीना कपूर के साथ अभिनय किया था। फिल्म की समीक्षा करते हुए तरन अदास ने लिखा है अक्षय कुमार सादे और औसत दर्जे के हैं, जहाँ पे भूमिका शायद ही उन्हें कुछ जो है अलग करने की गुंजाइश देती है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ राजकुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा अंदाज में अभिनय किया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक व्यावसायिक सफलता मूवी और साल 2003 की पहली सार्वभौमिक हिट फिल्म बन गई थी। इसी तरह साल 2004 में अभिनेता अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय के साथ राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म खाकी में अभिनय किया था। दोस्तों खाकी फिल्म में अभिनय किया, जहाँ पे अक्षय कुमार ने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक भ्रष्ट नैतिक रूप से दिवालिया पुलिस वाला है शुरू में, जो एक आरोपी पाकिस्तानी जासूस डॉक्टर इकबाल अंसारी अतुल कुलकर्णी द्वारा अभिनीत को महाराष्ट्र के एक दूसरा स्थान शहर में मुंबई स्थानांतरित करने में मिशन के दौरान खुद को बदल लेते हैं। आलोचकों द्वारा फिल्म और अक्षय कुमार के अभिनय की सकारात्मक समीक्षा दी गई थी। फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य रिलीज फिल्म में दिलीप शुक्ला की अपराध फिल्म जो है पुलिस फोर्स में इन और आपको बता दें इनसाइड स्टोरी शामिल थी। उन्होंने रवीना टंडन और आपको बता दें अमरीश पुरी के साथ राज बब्बर के साथ अभिनय किया था, जो मुख्य अभिनेता टंडन और कुमार के ब्रेकअप के बाद फिल्म के निर्माण में देरी हुई थी। रिलीज होने पर इससे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद कुमार ने मधुर भंडराकर द्वारा निर्देशित की गई ऑन मैन वर्क में एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी, जो कि हरि ओम पटनायक की भूमिका निभाई। इसी के साथ बता दें दोस्तों आन फिल्म साल की सबसे अधिक कमाई करने वाला एक्शन थ्रिलर मूवी माना जाता था, क्योंकि फिल्म में अक्षय कुमार की भूमिका को इसमें सीरियस तरह से लिए गए थे और फिल्म भी एक अच्छी कमाई करने वाली मूवी साबित हुई थी। या फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म के बारे में, तो अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को भी बता रहे हैं। जैसे कि आपको बताया हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में, तो आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद। इसके बाद अक्षय कुमार ने मधुर भंडराकर द्वारा निर्देशित की गई आन मैन फिल्म में अभिनय किया था। आन फिल्म में आईपीएस अधिकारी हरि ओम पटनायक की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी और इस भूमिका में इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया था। उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक मुझसे शादी करो की फिल्म में अभिनय किया था, जहाँ पे सलमान खान के साथ और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। उन्होंने सनी समीर खान द्वारा अभिनीत के रूममेट की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो रानी चोपड़ा द्वारा अभिनीत की समीर की प्रेम रुचि का पीछा करता है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज होने के बाद और तरन अदर्स ने कुमार की प्रशंसा की और लिखा अक्षय कुमार एक रहस्य उद्घाटन है, वो अपने पिछले काम में आगे निकल जाते हैं
जहाँ पे उसका समय संदार हो जाती है और सिद्ध के साथ जो है उस और जिसके साथ जो है दृढ़ विश्वास के साथ वह अपने व्यक्तिगत में बुराई की और आपको बताया लकीर को दूर कर लेते हैं। इसके बारे में दिनों में बात की जानी चाहिए। जो फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में सहायक अभिनेता के लिए अपना तीसरा नामांकन और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए नामांकन दिलाया था। उनके अन्य फिल्मों में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित की गई ऐतराज और SS और आपको बता दें SM इकबाल की मेरी बीवी का जवाब नहीं मूवी जहां पे शामिल थी। पूर्व में अभिनेता शेख कुमार ने टाइप के खिलाफ एक कार्यकर्ता के रूप में इस फिल्म में अभिनय किया था जिस पर चोपड़ा धारा निभाई गई उसकी महिला बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न का गलत आरोप लगाया जाता था। फिल्म के अंदर निर्देशकों के साथ जो है अनुसार ऐतराज मूवी नेशनल बास्केटबॉल और आपको बता दें इस वेसन के खिलाड़ी यानी कोबे ब्रायंट के साथ जिस पर जो है एक प्रशंसक जो है धारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था जो कि प्रेरित करता था। और फिल्म का विकास तब शुरू हुआ था जब उन्होंने खबरों में उनके यौन हमले के मामले के बारे में पढ़ा था और चीत रीत के बारे में बात करते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि ये मूवी यानी कि यथार्थवादी और इसे जो है नए जमाने में और आपको बता दें मेट्रो सेक्सुअल के नाम पर आदमी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था ऐतराज मूवी उनके द्वारा की गई सबसे बोल्ड फिल्म थी। बाद में उन्होंने श्रीदेवी के साथ अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग 1994 में हुई थी लेकिन 10 साल की देरी के बाद फिल्म को 2004 में रिलीज किया गया था। अगले साल अभिनेता अक्षय कुमार ने धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म बेवफा में करीना कपूर के साथ अभिनय किया था। उन्होंने राजा की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी जो एक महत्वाकांक्षी संगीतकार को जो आदित्य के साथ जो है सहायक भूमिका अनिल कपूर द्वारा अभिनीत से शादी करने के बाद भी अपनी प्रेम रुचि अंजलि करीना कपूर द्वारा अभिनीत का पीछा करती है। फिल्म को समीक्षकों से बहुत अच्छी समीक्षा मिली थी रिलीज होने के बाद लेकिन अक्षय कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया था। इंडिया टुडे की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है करीना कपूर और कुमार बाहर खड़े हैं और तरुण आदर्श ने लिखा अक्षय कुमार एक ऐसी भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो उन्हें दस्ताने की तरह फिट बैठता है। उस वर्ष बाद में उन्होंने विपुल अमृतलाल शाहधारा फिल्म में अभिनय किया। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप रक्षाबंधन फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रक्षाबंधन फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। बता दें दोस्तों पारिवारिक ड्रामा वक्त फिल्म में अक्षय कुमार ने अभिनय किया। अगले साल इन्होंने टाइम अमिताभ बच्चन के साथ और जॉन अब्राहम के साथ मिलकर जो है प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित की गई एक कॉमेडी गरम मसाला फिल्म में अभिनय किया था। वक्त द रेस मूवी अगेंस्ट के साथ जो है टाइम एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जो फिल्म अक्षय कुमार के लिए अभिनय को मिश्रित समीक्षा मिली थी। विशाल डिसूजा ने लिखा अभिनेता अक्षय कुमार एक लेखक जो है समर्थित भूमिका निभाते हैं मूवी के अंदर। फिल्म के भावनात्मक बोझ को अधिक लेकर आगे चलते हैं। हालांकि उदास रोने वाले दृश्यों में स्पष्ट रूप से सहजता दिखते हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल रही थी और बाद में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था। उनके अन्य फिल्मों में विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित की गई एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म दीवाने हुए पागल और सुनील दर्शन द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा दोस्ती फ्रेंड्स फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। ये मूवी शामिल थी। पूर्व में उन्हें शाहिद कपूर सुनील शेट्टी और रीमा सेन के साथ अभिनय करते हुए देखा गया था जबकि बाद में उन्होंने करीना कपूर और बॉबी देओल के साथ अभिनय किया। इन दोनों फिल्मों को सकारात्मक समीक्षा मिली थी रिलीज होने के बाद। इसके अलावा अक्षय कुमार की 2006 की पहली रिलीज मूवी राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित की गई ड्रामा फैमिली टाइज ऑफ द ब्लड मूवी थी जिसके बाद सुनील दर्शन की मेरे जीवन साथी मूवी रिलीज हुई थी और राज कंवर की हमको दीवाना कर गए मूवी भी रिलीज हुए थे। इसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी नामक हेरा फेरी की अगली कड़ी में अभिनय किया। जैसा कि पहले ही मूवी रिलीज हो चुका था अगली कड़ी बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी सफलता बन गई। उस वर्ष बाद में उन्होंने आपको बताया सीरीज कुंदर धारा निर्देशित की गई रोमांटिक संगीत फिल्म जो यानी कि जान ए मन में सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ अभिनय किया था।
फिल्म एक बहुप्रतीक्षित मूवी थी। रिलीज होने के बाद और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बाद ये फिल्म, आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था और फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। Rediff.com के विद्या प्रधान ने इसे विचित्र फिल्म कहा। उन्होंने प्रियदर्शन की कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री फिल्म जो है भागम भाग मूवी के साथ जो है साल का अंत इनका किया था। उन्होंने लारा दत्ता, एन गोविंदा और परेश रावल के साथ अभिनय किया था और एक थिएटर जो है अभिनेता का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। फिल्म को मिली जुली समीक्षा मिली और Rediff.com ने अक्षय कुमार को फिल्म का असली हीरो कहा था और फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। उस वर्ष उन्होंने साथ ही, आपको बताया, सितारे सैफ अली खान, प्रीति जिंटा और सुष्मिता सेन और आपको बता दें सेलिना जेटली के साथ मिलकर अभिनय किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है बंधन। दोस्तों, इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी, इन्हें समय के बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कमाई करेगा और इसी उम्मीद के साथ मूवी को रक्षाबंधन के अवसर पे रिलीज किया गया, लेकिन मूवी फ्लॉप कर गई। दोस्तों, बात कर ले रक्षाबंधन फिल्म के बारे में तो रक्षाबंधन के कलाकार अपने रिलीज से पहले भारत भर के विभिन्न शहरों का दौरा करने के लिए प्रचार की दौर किए, जहाँ पे अभिनेता अक्षय कुमार, आनंद एल राय और आपको बता दें सादिया खातिब इसमें शामिल थी। श्रीकांत शाह जमीन और कौर के साथ जो है दीपिका खन्ना सही टीम ने दुबई, पुणे और इंदौर और आपको बता दें हैदराबाद का दौरा किया। जो 7 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन फिल्म की टीम ने एक मल्टीप्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हैदराबाद का दौरा किया। अक्षय कुमार अपने ऑन स्क्रीन बहनों को कुछ जो है मोती की और आपको बता दें खरीदने के लिए दुर्गा गोल्ड एंड सिल्वर दुर्गा गए थे, जहाँ पे ज्वेलर्स में परचेज जो है MG रोड पर थे और उपहार देने की परंपरा को इन्होंने जारी रखा। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर तो ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन रिलीज हुई थी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नाटकीय रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था कि ये फिल्म हो सकता है थोड़ा अच्छी कमाई कर ले। लेकिन बात कर ले इस मूवी की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने 8.20 करोड़ से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 6.40 करोड़ से अधिक के कलेक्शन किया और तीसरे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ से अधिक के कलेक्शन किया। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 28 करोड़ से अधिक की कमाई किया और फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म ने 7 करोड़ से अधिक की कमाई किया। 21 अगस्त 2022 तक फिल्म ने भारत में 50.24 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 6.3 मिलियन और विदेशों में फिल्म ने 8.78 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 11.1 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो दुनिया भर में फिल्म ने 59 करोड़ से अधिक की कमाई किया है, जो यूएसए में कन्वर्ट करोगे तो 7.4 मिलियन से अधिक की कमाई की। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बतलाने वाले हैं, फिल्म की कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे, मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करेंगे और वीडियो के अंत में हम बतलाएंगे कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अक्षय कुमार बजन पांडे के किरदार में मोहिज में नजर आए हैं। अक्षय कुमार को चुनती है जो एक क्रूर गैंगस्टर रहते हैं, लेकिन उस पर शोध करने के उसके गुप्त प्रयास जो है विफल हो जाते हैं। जब वह उसकी जासूसी करके उसे जो है जासूसी करती है तो वो पकड़ी जाती है। अक्षय कुमार उनसे मिलते हैं और वो फिल्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल फिल्म विरम का रिमेक बनाना था, लेकिन निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने यह बताया कि बच्चन पांडे मूवी तमिल फिल्म जिगर ठंडा मूवी की रिमेक होने वाला है। शीर्षक मूवी के 2018 की एक्शन फिल्म टशन में जो है टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए इसी नाम के एक चरित्र से निकाला गया है। शीर्षक शुरू में बच्चन पांडे फिल्म लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे बच्चन पांडे में बदल दिया गया। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफर 6 जनवरी 2021 को जैसलमेर में शुरू हुई थी, जो COVID-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई है, लेकिन फिल्मांकन 6 जनवरी से शुरू हो गया है और जुलाई 2021 में इस मूवी की शूटिंग जो है पूरी कंप्लीट कर दी गई है और फिल्म का संगीत अमाल मालिक के बैनर के तहत बनाए गए हैं। अमाल मालिक, बी प्रकाश जानी, विक्रम और मोटर्स के राय के तहत इस फिल्म के संगीत को बनाया गया है, जबकि गीत कुमार जानी, फरहाद और भंडी
फरहाद भिवंडी वाला, विक्रम मोटोस और अजीम दाइनी द्वारा लिखे गए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है जूलियस बेकियम द्वारा रचित किए गए हैं। मूवीज की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रीमेक है, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। जिगर ठंडा मूवी में भी आपको सेम कहानी देखने को मिल जाते हैं और इसी नाम की इस फिल्म को नाम को चेंज करके बच्चन पांडे फिल्म को बनाया गया है बॉलीवुड के अंदर। दोस्तों अब साउथ इंडियन की जो मूवी है उसकी तरफ बॉलीवुड में कई सारी फिल्में आपको जो है देखने को मिलते हैं। फरहाद सामजी फिल्म के डायरेक्टर हैं, फरहाद सामजी ने ही इस फिल्म की कहानी को लिखे हैं। साजिद नदीदवाला फिल्म के प्रोड्यूसर है, कहानी बेस्ड जिगर ठंडा मूवी से रिमेक है। दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार सर के फैन हैं और बच्चन पांडे मूवी का इंतजार कर रहे थे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 2018 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। आज से लगभग 10 दिन बाद ये मूवी इंडिया में रिलीज होने के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर दिया गया है। बच्चन पांडे जब मूवी रिलीज होगी तो हम देखेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई करता है। फ्रेंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बच्चन पांडे मूवी को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए आज का दिन बेहद जो है खास है, क्योंकि आज अक्षय कुमार की मोस्ट अवेंटेड फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रिलीज होने जा रहा है और रिलीज हो चुका है। इससे पहले फिल्म के कई जो है पोस्टर रिलीज हो चुके हैं और उन्हें फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आपको बता दें कि बच्चन पांडे का ट्रेलर आज सुबह 10:40 रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की इस फिल्म का ट्रेलर देखने से पहले ही लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया है, मानना शुरू कर दिया है, तो कुछ लोग जो है इसका बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर इस समय जो है सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है ट्रेलर को। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिल्म का ये तो ट्रेलर जो है देखने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था तो ट्रेलर को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। बच्चन पांडे फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, फिल्माया गया है और फिलहाल में ये तो ट्रेलर जो है देखने के बाद ही पता चलेगा कि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे पोस्टर की तरह धमाकेदार होगा या नहीं। अक्षय कुमार की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं लोग और उनका कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म है। एक यूजर ने लिखा है बॉलीवुड का गॉडफादर आ रहे हैं। तो अक्षय कुमार ने लिखा है अगर यह फिल्म आलिया की साथी गंगूबाई कठैया वादी से ज्यादा कमाई करती है तो अक्षय कुमार के लिए बड़ी बात होगी, वरना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गंगूबाई कठैया वादी फिल्म से ये बिल्कुल जो है टक्कर खा रही है। और गंगूबाई कठैया वादी फिल्म आप लोग को पता है कि बहुत पहले से अनाउंसमेंट किया जा रहा था और मूवी दोनों एक साथ ही रिलीज हो गया और ये दोनों फिल्मों में देखेंगे कि हम कौन सी मूवी ज्यादा कमाई करता है। इस फिल्म को 18 मार्च 2022 इंडिया के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अगर आप बच्चन पांडे फिल्म के लिए बेचैन हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के कुछ हिस्टोरी के बारे में। फिल्म में कौन सी हिस्टोरी को बतलाया गया है हम आपको बता दें, जिगर ठंडा मूवी की रिमेक इस फिल्म में बनाया गया है, तो कहानी आपको इसी की हम सुनाते हैं क्योंकि अभी कहानी आपको देखने को मिलेगा नहीं अक्षय कुमार सर की इस फिल्म की, तो कहानी में हो सकता है कुछ चेंजेस भी किया गया होगा, लेकिन फिल्म को जरूर देखना चाहिए क्योंकि ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि मूवी काफी ज्यादा धमाकेदार है और पोस्टर भी इस मूवी के देखने लायक है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे बच्चन पांडे मूवी की मूवी, अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप अक्षय कुमार सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जिगर ठंडा फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था और फिल्म में इसी तरह की कहानी को बतलाया गया है। इस फिल्म में कीर्ति शुभर, मान्यम सिंह जो है इस फिल्म में अभिनय के थे, सिद्धार्थ कल लघु फिल्म निर्माता है और एक फीचर फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं। इस फिल्म में बिल्कुल सेम हो रहा है, यहाँ पे कीर्ति सेनन जो है पिक्चर बनाना चाहती है, वह एक प्रतिभा खोज कार्यालय में भाग लेते हैं। जैसे ही वहाँ पे नलाया यानी कि इक्या कुमार और साथी उनके साथ जो है मेसी फाई मिलते हैं। शो के दो जजों में एक जो है यानी कि हाइप्रो फिल्म निर्देशक जो है मुकेश नासर शामिल हो जाते हैं, जो फिल्म निर्माण में कार्तिक के प्रयास को खारिज कर दिया जाता है और एक लाभ जो है यानी कि अनुमुख निर्माता सुंदर अदू कलाम नरेन जो मुलिक
जो मुखिल के खिलाफ है और घोषणा करता है कि कार्तिक ने प्रतियोगियों के बीच जो है सबसे अच्छी फिल्म बनाई है। हालांकि मुखिल कार्तिकों को प्रतियोगियों यानी कि प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। सुंदर कार्तिक के साथ जो है निर्देशन के रूप में एक फिल्म का निर्माण करने की पेशकश करते हैं। वह दोनों आज शो से बाहर हो गए हैं और अगले दिन सुंदर नाराज हो जाता है क्योंकि कार्तिक ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उससे मिलने आया था वह उसी स्क्रिप्ट में रुचि नहीं रखता है जिसे कार्तिक फिल्माना चाहता है और इसके बजाय वह जो सुझाव देता है कि वह नायक जो है यानी कि थलापति द गॉडफादर आदि के शैली के साथ जो है एक गैंगस्टर फिल्म बनाना चाहता है। सेम इसी तरह की कहानी आपको जो है उस फिल्म में देखने को मिलेगी, बच्चन पांडे फिल्म में भी थोड़े से चेंजेस के साथ। फिल्म में एक गैंगस्टर के ऊपर कहानी को बनाया जाता है और एक गैंगस्टर जो है तलाश किया जाता है जो अक्षय कुमार इस फिल्म में बच्चन पांडे के किरदार में नजर आए। सुझाव को दिल से लिया जाता है और दस्तावेजीकरण पर अपना दिमाग जो है लगाते हैं। एक गैंगस्टर का जीवन और उसमें से एक फिल्म की पटकथा बनाना चाहते हैं। अपने ही पत्रकार चाचा गजराज की मदद से कार्तिक को मदुरै शहर में एक जो है क्रूर गैंगस्टर अलाल्ट यानी सेतु से मिलते हैं और ये सेतु के जगह यहाँ पे आपको अक्षय कुमार मिलेंगे बच्चन पांडे के रूप में। बेबी सीमा के बारे में पता चलता है और वह सेतु के जीवन के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला करते हैं। वह मदुरै की यात्रा करते हैं और सेतु और उसके जो है यानी कि आदमियों पर निगरानी रखने के लिए एक जो है अनिच्छुक कॉलेज के मित्र उरानी करुणाकरण की मदद लेते हैं क्योंकि कार्तिक और उरानी सेतु से सीधे ही संपर्क करने से डरते हैं। इसलिए वह सेतु के दो शीर्षक गुर्गों के साथ जो संपर्क विकसित करने की योजना बनाते हैं। वह एक पुराने दुकानदार पेटी कढ़ाई और साथी पजामी जो है संगी गली मुर्गा दास से मिलते हैं जो कि वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सेतु के बचपन से ही आसपास रहा है। सेतु के करीब आने के कार्तिक जो है कार्तिक कायल विड्डी लक्ष्मी मेनन के प्यार का बदला लेने का एक कार्य भी करते हैं जिसकी माँ अंबिका सेतु के लिए खाना बनाती है। सेतु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उनके जो है विभिन्न प्रयासों के कारण वह सेतु के दाहिने हाथ वाले राशु और साथी रामचंद्र दुरैजा के संदेह को जगाते हैं जो कार्तिक और उरानी को देखने के लिए एक साउंडर सेथिल कुमार रखते हैं और साउंडर कार्तिक के साथ अच्छे दोस्त बनते हैं और कार्तिक अपने ही यानी कि ट्रोस्टा का इस्तेमाल म्यूजिक प्लेयर में वायरल और माइक्रोफोन लगाने के लिए करते हैं जिससे वह साउंडर को उधार देते हैं और साथ ही घटनाओं के एक ट्यूरेट मोड में साउंडर का एक विरोधी ग्रोह के लिए एक तिल के रूप में यानी कि वडाफोर्ड किया जाता है और उसे जो है मार दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं, अक्षय कुमार की ये मूवी 18 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम जिगर ठंडा मूवीज़ की कहानी को बता रहे हैं क्योंकि कहानी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे फराज सामजी सर और फिल्म की कहानी फराज सामजी सर ने ही लिखी है। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला। जिगर ठंडा मूवीज के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। कीर्तिक शोभराज व इस फिल्म की कहानी को लिखे थे। साजिद नदीदवाला मूवीज के प्रोड्यूसर है और फिल्म के मुख्य स्टार करते अक्षय कुमार, कीर्ति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी ने फिल्म में अभिनय किए हैं। मूवीज को अनाउंसमेंट कर दिया गया है 18 मार्च 2022 को ये मूवी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिल्म को AA फिल्म NG स्टूडियोज के बैनर के तहत मूवीज को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे हैं तो चलिए इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कीर्ति सनोन मैम के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि कीर्ति सनोन अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है और इनको अब तक जो है कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। फ्रेंड अगर आप कीर्ति सनोन मैम के फैन हैं, इनके मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और बच्चन पांडे फिल्म के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सबसे पहले कीर्ति की जन्म के बारे में हम बातें करते तो 27 जुलाई 1990 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बता दें कि इन्होंने बच्चन पांडे फिल्म में अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड के किरदार में नज़र आई है और बच्चन पांडे मूवी मुझे लगता है 2022 की सबसे धमाकेदार मूवीज़ होने वाला है क्योंकि इसके टीजर और ट्रेलर
पोस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पोस्टर काफ़ी खतरनाक रिलीज किए गए हैं दोस्तों, आपको इस वीडियो में पोस्टर तो देखने को मिल रहे होंगे। और इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं वो भी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कीर्ति सुनोन का जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी में काम किया था और अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुनोन ने सबीर खान की एक्शन कॉमेडी रोमांटिक हीरोपंती फिल्म 2014 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसने हिंदी सिनेमा में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया था। सेनोन ने तब जो है व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में काम करने लगी। 2017 में उन्होंने लुक्का छुपी फिल्म में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने अभिनय किया और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज मूवी कॉमिक एक्शन रोमांस दिलवा फिल्म थी, जो 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने अभिनय किए थे। और कॉमेडी हाउसफुल 4 मूवी 2019 के साथ आई थी। उसने कपड़ों की अपनी लाइन भी शुरू किया है जो कई ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन करता है और फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी है। कीर्ति म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी है। कीर्ति सुनोन का जन्म 27 जुलाई में हुआ था 1990 को। नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल सुनोन के घर में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी साथी प्रोफेसर गीता सुनोन उनके घर में जन्मी थी। उनका परिवार पंजाबी है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में पढ़ाई किया है और बाद में जो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंफॉर्मेशन में अपनी दाखिला ली है। दोस्तों वीडियो में बच्चन पांडे मूवी की रिव्यू कर रहे, बता दें कि बच्चन पांडे मूवी की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 18 मार्च को मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज किया जाएगा। वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुख्य स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कीर्ति सुनोन है इस मूवीज में और मूवीज की कहानी जिगर ठंडा मूवी से रिमेक को बनाया गया है। कीर्ति सुनोन ने सबसे पहले 2014 में सुकुमार सर की तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी जो है ननोकादिन से एक पत्रकार के रूप में की शुरुआत की, जो महेश बाबू के चरित्र गौतम की प्रेम रुचि है। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने लिखा है कि कीर्ति सुनोन सुंदर दिखती है और अच्छा अभिनय करती है, जबकि sifi.com के एक समीक्षक ने कहा है कि वह खूबसूरत दिखती है और भी अच्छी फिल्मों में नवोदित और नवागंतुक के लिए अपने प्रदर्शन को ठीक मानती है। उसी वर्ष बाद में कीर्ति सुनोन ने डेब्यूटेंट टाइगर श्रॉफ के साथ सबीर खान के एक्शन रोमांस हीरोपंती फिल्म में माध्यम से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। फिल्म का मिश्रित स्वागत था, लेकिन फिर भी यह मूवी आश्चर्यजनक सफलता मूवी थी। इसने दुनिया भर में 726 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 9.6 मिलियन की कमाई किया था। फिल्म ने बॉलीवुड हंगामा के तरन अदर्स ने लिखा है कि कीर्ति सुनोन खूबसूरत दिखती है फिल्म में और अपने हिस्से को निश्चिंता से अभिनय करती है और आत्मविश्वास के साथ संभालती है अपने करेक्टर को। और यह भी कहा उन्होंने उसके पास एक स्टार की टैंपिंग है, जो एक स्टार बनने के उनमें सारे गुण भरे हुए हैं। जबकि राजीव मंसद सर ने कहा है कि वह प्यारी दिखती है फिल्म में और अपने दिमाग के बावजूद एक जो है छाप छोड़ती है और भूमिका अच्छी तरह से निभाती है। इसके विपरीत द टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री जना दास ने कहा है उनकी भावनाओं की आलोचना करते हुए इसे साथी जो है इनकी तीक्ष्ण से अधिक जो है आकर्षण कहा गया है। कीर्ति सुनोन ने 2015 के शुरुआत में अपनी ही दूसरी तेलुगु फिल्म सुधीर वर्मा के अपराध नाटक जो है दो चाय में नागा चैतन्य सर की सह अभिनेत के रूप में उन्होंने वरुण धवन, शाहरुख खान और काजोल के साथ रोहित शेट्टी के हास्यपूर्ण एक्शन रोमांस दिलवाले फिल्म में अगली कास्ट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया है, जिसने 3.72 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। दुनिया भर में फिल्म ने अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सुनोन और धवन चारा के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। पूरे 2016 में स्क्रीन से अनुपस्थिति के लिए एक वर्ष के बाद सुनोन ने निर्माता दिनेश बिजन के साथ जो है मिलकर कई फिल्मों में से पहली बार अपने निर्देशन में बनी राबता में काम किया, जिसमें जो है उन्होंने और सुशांत
सिंह राजपूत को स्टार क्रॉस यानी प्रेमी के रूप में देखा गया था, जो कि पुनर्जन्म लेते हैं। एक तीखी समीक्षा में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को साथी जोहर के शर्मनाक रूप से बेदाग करार दिया, लेकिन कीर्ति सुनोन की प्रतिमा उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया गया था। फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों ही तरह से फ्लॉप रही थी और मूवी को कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं AK मूवी फैक्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है मैं अपने चैनल पे सिर्फ मूवी रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतलाता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को। अगर आप लोग बच्चन पांडे फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म होने वाला, क्योंकि मूवीज़ की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 18 मार्च को ये मूवी इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। दोस्तों मूवीज़ की कहानी जिगर मूवी से रिमेक बनाया गया है, जिसमें अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के किरदार में फिल्म में नजर आए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नदीदवाला, जो आपको ये मूवी अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों वीडियो में हम मूवी के रिव्यू कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी में बेहतर जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जो है जिद्दी ग्रामीण भारतीय महिला के रूप में कीर्ति सुनोन के अब्बाद के चित्रण को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म में जिसमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने फ्रांसिस लेखक था, और साथ ही निकोल्स बेरू के उपन्यास द साथी जो है यानी कि इंग्रेड थिएटर्स ऑफ लॉ के रूपांतरण फिल्म में उनके विपरीत जो है अभिनय किया था। NDTV की सेबल चटर्जी ने कहा है कि बरेली की बर्फी के काम का बोझ वह कीर्ति सुनोन पर है और वह गलत नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता मैम ने कहा है कि उनके बारे में सोचा कि कीर्ति सुनोन के प्रयास के बावजूद जो है उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता की कमी थी, और इसमें अपने ही 200 मिलियन NUC में कन्वर्ट किया जो 2.7 मिलियन बजट के मुकाबले 548 मिलियन तक फिल्म ने कमाई किया था। USA में कन्वर्ट किया जाए तो 7.3 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 2018 में उनकी एकमात्र उपस्थिति अमर कौशिक की कॉमेडी हरर फिल्म शत्री में आओ कभी हवेली पे गीत के संगीत वीडियो के लिए एक विशेष गीत की उपस्थिति दर्ज की थी, जिसे बिजान ने राज साथी निधि मोरू और कृष्णा DK के साथ जो है मिलकर बनाया था, जिन्होंने फिल्म बनाते समय भी लिखा था। निर्माता के रूप में उनकी शुरुआत किया था 2019 में लुका छुपी फिल्म के एक कार्यक्रम में कीर्ति सुनोन और कार्तिक आर्यन सर एक साथ नजर आए थे। कीर्ति सुनोन ने 2019 में बिजन के साथ दो फिल्मों में काम किया, जिनमें से पहली सिनेमाटोग्राफर मूवी लक्ष्मण उट्टेकर की हिंदी निर्देशक वाली पहली फिल्म चुका लुका छुपी मूवी थी, जो कि लिव इन और साथ ही रिलेशनशिप पर एक व्यंग मूवी थी, जिसमें उन्हें कार्तिक आर्यन के साथ जो है जोड़ा गया था। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने लिखा है कि कीर्ति सुनोन पूरी तरह से जो है यानी कि सहज दिखती है, और ऐसा लगता है कि वह कॉमेडी में अपना पैर जमा रही है। इसी प्रक्रिया में सभी का एक जो है शानदार समय है। एक सुपरहिट लुका छुपी फिल्म ने 1.29 बिलियन का विश्व संचय किया था। मूवी हिट रही थी और 17 USD में कन्वर्ट किया जाए तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई का उन्होंने रोहित जो है जुगराज की इस फूड कॉमेडी अर्जुन पटियाला में फिर से जो है यानी कि बिजान के साथ सहयोग किया, जिसमें जो है दिलजीत दोसांझ ने मुख्य किरदार निभाए थे और मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो कि नायक की प्रेम रुचि के रूप में कार्य करता है, और बाद में एक विशेष गीत की उपस्थिति के बाद जो है साजिद नदीदवाला के साथ मिलकर काम किया था। फरहाद सामजी की पुनर्जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 पर जो है कलंक, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक राजकुमारी और लंदन के एक जो है अमीर व्यवसायी की बेटी की दोहरी भूमिका निभाई, जिनके साथ वह मूल रूप से हाउसफुल 4 फिल्म में अभिनय किए थे। इन्होंने हाउसफुल 4 फिल्म में अभिनय किए थे। हाउसफुल 4 पर कलंक के एक जो है विशेष गीत की उपस्थिति के बाद साजिद नदीदवाला सर के साथ जो है मिलकर काम किया गया था, जिसमें उन्होंने एक की दोहरी भूमिका निभाई थी, राजकुमारी लंदन के एक अमीर व्यवसायी की बेटी अक्षय कुमार के साथ, जिनके साथ वह मूल रूप से यानी कि अर्सिन इज बिलिंग फिल्म में सहयोग करने के लिए तैयार थी, जहाँ से उनकी भूमिका एमी जैक्सन धारा भारी पड़ गई थी जब उन्होंने दिलवा
हवाले के सांस से ड्यूलिंग संघर्षों के कारण जो है बाहर कर दिया गया था। हाउसफुल 4 फिल्म एक बड़ी सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में 2.8 बिलियन भारतीय रुपए से अधिक की कमाई किया था। उसी वर्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए उन्होंने पानीपत फिल्म की तीसरी लड़ाई पर आधारित जो है आशुतोष ग्वारकर की पीरियड ड्रामा पानीपत फिल्म में अर्जुन कपूर की साथ ही सदाशिव राज भाव के साथ जो है यानी कि पर्वत तिवारी की भूमिका निभाई थी। पर्वती भाई की भूमिका फिल्म में निभाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बम के रूप में समाप्त हुआ था। उसी वर्ष से कीर्ति सुनान जो है फॉरवर्ड्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी थी जो 80.9 मिलियन एनयूसी में कन्वर्ट किया तो 1.1 मिलियन की अनुमानित वार्षिक आय के साथ जो 38वें स्थान पर इनको जगह मिला था। कीर्ति सुनान ने अगली बार जो है उटेकर के नाटक मिमी फिल्म में अभिनय किया था। मिमी फिल्म में शीर्षक भूमिका निभाई जिसमें उन्हें जो है यानी की समृद्धि पूरी की 2011 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म माला आई जो है यानी कि वह चिकी के रीमेक में एक जो है सरोगेट माँ के रूप में इन्होंने अभिनय किया। यह फिल्म 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुआ था। तरण आदर्श ने लिखा मिमी मूवी एक दिल को छू लेने वाली कथा है जिसका उद्देश्य परिवारों को लक्षित करना है और यह जो है दर्शकों का भरपूर जो है मनोरंजन करती है मूवी और कीर्ति सुनन बहुत ही मनोरंजन प्रदर्शन करती है। यह निश्चित रूप से उनका सबसे कुशल प्रदर्शन है और सभी जो तिमाही में प्रशंसा प्राप्त करना निश्चित है। और मैसेबल इंडिया ने सनेन के प्रदर्शन को अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा। कीर्ति सुनन ने खुद को आगे बढ़ाया और वास्तव में जैसा कि आपको पता है आप उसके साथ फिल्म देखते हैं और सिर्फ आप उसे जो है अपने ही करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी देखेंगे। मिमी फिल्म कीर्ति सुनन के लिए हर तरह से प्यारा मूवी था। कीर्ति सुनन की अगली रिलीज मूवी गुजराती मूवी थी। गुजराती निर्माता अभिषेक जैन की पहली फिल्म हम दो हमारे दो थी जिसमें राजकुमार राव थे जिसे जो है बिजान ने भी बनाया था और मूवी सफल रही थी। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे बच्चन पांडे फिल्म को और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को वीडियो में बतला रहे हैं। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन करें बच्चन पांडे फिल्म को जिसे 18 मार्च को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में सेतु को म्यूजिक प्ले में जो है लगे टैप का पता चल जाता है जिसे साउंडर ले जा रहा होता है और जल्दी से कार्तिक और उरानी का पता लगाया जाता है जो सेतु को हाथों मारने के बारे में कार्तिक कबूल करता है कि वह सेतु पर जासूसी कर रहा था ताकि वह नायक और थलपति द गॉडफादर इत्यादि की तर्ज पर अपने ही जीवन के बारे में एक फिल्म बना सके। सेतु उसकी संभावनाओं से अशक्त होता है। जीवन को बड़े पर्दे पर चित्रित किया जाता है और कार्तिक और उरानी को अपने ही गिरोह में शामिल कर लिया जाता है ताकि वह उसके जीवन का दस्तावेजीकरण कर सके। हुआ और उसके गृह को सदस्य अपने जो है अपराधों पर वर्ग करते हैं और कार्तिक को अपने गृह की गतिविधियों के लिए एक साथ जो है ले जाया जाता है। कार्तिक जो है उल्लास पूर्वक सब कुछ जो है दस्तावेज करता है और खुश हो जाता है कि उसकी पहली फिल्म के लिए उसके पास एक शानदार कहानी है। जब वह मदुरई को सभी आवश्यक जो है जानकारी के साथ जो है छोड़ने के लिए तैयार होता है तो कायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि कार्तिक ने जानकारी दिया है उसका इस्तेमाल किया है और प्रतिशोध किया है। सेतु उसे एक जो है विदाई पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। पार्टी के दौरान कार्यालय टिप्पणी करते हैं कि सेतु को अपने ही जीवन के बारे में साथ ही जो गैंगस्टर फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में काम करना चाहिए। सेतु इसे जो है गंभीरता से लेता है और कार्तिक को धमकाता है कि वह सेतु के साथ स्क्रीन पर खुद की भूमिका निभाते हुए फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और अचानक हुई घटनाओं से साथ ही व्याकुल कार्तिक जो है मदुरई से भागने की कोशिश भी करता है। कार्तिक वहाँ से अचानक भागने की कोशिश करता है और इसी
भूमिका में हुए फिल्म का निर्देशन करे और अचानक हुई घटनाओं से व्याकुल कार्तिक मथुरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेतु के गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह कार्तिक की फिल्म के निर्माता का अपहरण भी करते हैं और उन दोनों को गैंगस्टर फिल्म बनाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। कार्तिक अनिच्छा से सहमत हो जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि सेतु और उसके आदमी कैमरे के सामने अभिनय नहीं कर सकते। वह एक अभिनय कोच मुथु गुरु साथी जन के सोम सुंदर को काम पर रखते हैं, जो सेतु और उसके आदमियों के लिए एक कठोर शिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। प्रशिक्षण की अवधि के बाद मुथु सोचता है कि जबकि अन्य निराशाजनक है तो सेतु में अभिनय प्रतिभा का कम से कम जो है एक ही हिस्सा है। फिल्म का निर्माण शुरू होता है और कार्तिक सेतु के अभिनय की अयोग्यता से काफ़ी निराश हो जाता है। फिर भी वह फिल्म के साथ जो है दृढ़ रहता है और ब्रेक के बीच जो यानी कि भावनात्मक रोने वाले दृश्यों में मुथु को सेतु है। अंत में उत्पादन जो है लपेटा गया है, सेतु और उनके आदमी जो है नौवे बादल पर है और फिल्म की रिलीज के लिए एक बड़ी जो है यानी कि धूमधाम पैदा होती है। फिल्म रिलीज होती है और पहले शो के दौरान सेतु को अपनी जान का झटका लगता है, यह महसूस करते हुए कि सेतु की विशेषता वाली एक गंभीर गैंगस्टर फिल्म एक जो है अपादा होगी। कार्तिक ने फिल्म की कहानी को एक कॉमेडी में बदल दिया था। वह सेतु की आवाज़ को इसी तरह से संपादित करता है और डब करता है कि फिल्म सेतु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाती है जो रोते हुए जीवन में सब कुछ जो है हासिल कर लेता है। फिल्म का शीर्षक एक कुमार साथी अजू गुनी कार्य वैभी कुमार के रूप में यानी प्रकट होता है, न कि आल्ट कुमार। और जैसा कि आपको पता है सेतु ने सोचा था, इसी फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिन्होंने हंसते हंसते जो है सिनेमाघरों में आंसू बहा दिया। सेतु दुनिया को मूर्ख बनाए जाने पर पागल है और कार्तिक को खोजता है। हालांकि कार्तिक और बाबू क्रूज सेतु के गुस्से की आशंका पीछे करते हैं। दोस्तों बचन पांडे फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं और मूवी की कहानी कुछ इसी तरह होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं एंड मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। दोस्तों बता दें ये मूवी 18 मार्च को रिलीज होने वाला है। इस वीडियो में हम इस मूवी की हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बता रहे हैं। नवोदित निर्देशक आयरा कृति सुरन फिल्म में गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहती है बचन पांडे अक्षय कुमार को चुनती है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है, लेकिन उस पर शोध करने के उसके यानी कि गुप्त प्रयास विफल हो जाता है जब उसकी जासूसी करने के लिए पकड़ी जाती है। बचन पांडे फिल्म को शुरू में तमिल फिल्म बीरम का रिमेक बनाना था, लेकिन निर्माता ने मूल विचार के साथ आने के लिए इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया कि बचन पांडे तमिल फिल्म जो है जिगर ठंडा की रिमेक है। शीर्षक 2008 की एक्शन फिल्म टशन में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए एक इसी नाम के एक जो है चरित्र से निकला है। शीर्षक जो है शुरू में बचन पांडे लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे जो है बचन पांडे में बदल दिया गया था। मुख्य फोटोग्राफर मूवी की 6 जनवरी 2021 को जो है साथी जैसलमेर में शुरू हुई थी, जो COVID-19 महामारी के कारण शूटिंग में देरी हुई, लेकिन फिल्म अंकन 6 जनवरी से शुरू हो गया था और जुलाई 2021 में समाप्त भी हो गया था। फिल्म का संगीत जो है अमला मलिक, बी प्रकाश जानी, विक्रम और मोटूस और रोय के द्वारा रचित किया गया है, जबकि गीत जो है कुमार जानी फरहाद साथी भिंड अभिवंडी वाला विक्रम मोटोस और अजीम जो है दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित किया गया है। मूवी की कहानी काफ़ी हिट थी। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चन पांडे मूवी को और मूवी से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अक्षय कुमार सर के रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों बतला दें अक्षय कुमार अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। इनकी रियल लाइफ को यहाँ से बतलाते हैं और फिल्मी करियर के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने अब तक जो है कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं। अगर आप अक्षय कुमार सर के फैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अक्षय कुमार सर ने राखी और शांति संदीप प्रिया के साथ जो है शांति प्रिया मैम के साथ जो है शोगन फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया था। शोगन मूवी 1991 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर व्यास निर्देशक जो है डांसर में अभिनय किया था, जिसे खराब समीक्षा मिली थी। अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित जो है सस्पेंस थ्रिलर मूवी खिलाड़ी में अभिनय किया था, जिसे व्यापक रूप से उनकी सफलता मिली थी और भूमिका माना गया था, सफलता भूमिका मिला था। द इंडियन एक्सप्रेस में एक समीक्षक ने लिखा है कि फिल्म को एक मनोरंजन थ्रिलर कहा जाता है। अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली बताया गया था। उनकी शारीरिक उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिले थे। अक्षय कुमार को उस वक्त जो है मजबूत स्क्रीन उपस्थिति को देखते हुए और पूरी तरह से आराम से होने के लिए उनकी सराहना की गई थी। उनकी अगली रिलीज मूवी जेम्स बॉन्ड फिल्म पर आधारित मूवी राजशिपी धारा निर्देशित जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड मूवी थी। 1992 में उनकी आखिरी रिलीज मूवी दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा था। 1993 में उन्होंने डॉक्टर विष्णुवर्धन और साथी अश्विनी भावे के साथ जो है केशु रामचे धारा निर्देशित मूवी द्विभाषी फिल्म जो है अशांत में अभिनय किया था। सन 1993 के दौरान रिलीज हुई मूवी उनकी सभी फिल्में, जिनमें जो है दिल की बाजी, साथी कायदा कानून मूवी, वक्त हमारा है और सैनिक मूवी शामिल है, व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 1994 में वह 11 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए थे। उन्होंने दो फिल्मों में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनारी मूवी और राजीव रॉय की मोहरा, दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। उसी वर्ष बाद में और सफलता इनको मिला था। दोस्तों बता दें कि मोहरा फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुआ था। उसी वर्ष बाद में और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्मित की गई रोमांसीय दिल्लगी फिल्म में काजोल के साथ अभिनय किया था। वर्ष की सबसे बड़ी मुख्य धारा फिल्म की सफलताओं में से एक फिल्म और उनके प्रदर्शन दोनों को समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा भरोसेमंद बताया था और उनके प्रदर्शन को अलग किया था। फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया था। उसी वर्ष के दौरान अक्षय कुमार को सुहाग और कम बजट की फिल्म, एक्शन फिल्म ऐलान जैसी फिल्मों में भी सफलता मिली थी, जो है बॉक्स ऑफिस पे इंडिया के अनुसार। इन सभी उपलब्धियों ने अक्षय कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेता के रूप में इनको स्थापित किया था। सुहाग और ऐलान फिल्म हिट रही थी क्योंकि ये मूवी कम बजट पे बना था, लेकिन मूवीज़ की कहानी लोगों को पसंद आया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इन दोनों फिल्मों को हिट घोषित किया था। दोस्तों इसी तरह अक्षय कुमार सर ने अपने करियर में आगे बढ़े। आपको पता है कि पहले जो इनकी मूवीज़ आई थी वो लगातार फ्लॉप थी क्योंकि मूवी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स जो है नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी नीचे दबे रहे। अक्षय कुमार को सफलता तब मिली जिसे बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाने लगा था। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवी और एक्शन थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 के साथ रिलीज हुई और खिलाड़ियों के खेल 1996 में दोनों का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई। उन्होंने पूर्वा में दोहरी भूमिका निभाई थी। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने रेखा और रवीना टंडन को सह अभिनय किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार घायल हो गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए चले गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने एक साल के अंत की समीक्षा में लिखा है कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म अक्षय कुमार की ही थी, जिन्होंने गलियारों को पैक किया था और इसमें कोई संदेह नहीं कि टखने की लंबाई के बड़े कोट पहने यानी कि पहनने और भयानक जो है अंडरटेकर के साथ जो है कुश्ती की और फिल्म के साथ जो है चले गए थे। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इनको मिला था। फिल्म में अक्षय कुमार ने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांस मूवी दिल तो पागल है फिल्म में अभिनय किया था। सन 1997 में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन इसको इन फिल्म से मिला था। उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में जूही चावला के साथ अभिनय किया, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी किस्त थी। श्रृंखला की उनकी
पिछली फिल्मों के विपरीत यह व्यावसायिक रूप से विफल रही थी। हालांकि रोमांटिक एक्शन फिल्म अफलातून में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफ़ी सफलता मिली थी और समीक्षक जो है खालिद मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए अक्षय कुमार के प्रयास को मंजूरी दी थी। अक्षय कुमार जीवन में आते हैं कुछ अलग जो है करने के लिए, वह इसी अवसर पर आगे बढ़ते हैं। उनकी जो है निम्नलिखित रिलीज व्यावसायिक रूप से विफल रही मूवी और इसके कारण एक जो है उनके फिल्मी करियर को झटका लगा था। 1999 में अक्षय कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ जो है फिल्म में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली साबित हुई थी और उन्हें जो है संघर्ष और जानवर फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की प्रशंसा भी मिली थी। जबकि पुरवा ने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी लाभ नहीं कमाया, बाद वाला फिल्म एक व्यावसायिक सफलता साबित हुआ और उसने अपनी ही वापसी को चिन्हित किया था। अक्षय कुमार को जानवर फिल्म से ज़्यादा सफलता नहीं मिला था। जानवर के बाद उन्होंने 2006 में इनको जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ये इन सालों में इन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी मूवी जो है इनकी हिट रही थी। और 2000 के बाद ही इन्होंने जो है कई सारे ऐसे फिल्मों में काम किए जो कि मोस्ट एडवांटेज इन ब्लॉकबस्टर्स साबित हुई थी। 2000 के दशक में अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फिल्म में परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जो मलयालम फिल्म रामजी राव और संपी रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक मूवी थी, व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हेरा फेरी मूवी जो है रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी और व्यावसायिक रूप से ये मूवी सफल रहा था। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानवीय स्थिति और साथ ही अधीर तवाड़ का गहन चित्रण नोट किया था। उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेंद्र दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा धड़कन फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में मामूली प्रदर्शन किया, लेकिन अक्षय कुमार को उनके अभिनय के लिए सराहा गया था। रेडीफ.कॉम की समीक्षा में कहा गया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह निर्देशक के अभिनेता हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत किया है। उसी वर्ष उन्होंने नीरज बोरा द्वारा निर्देशित अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी 420 फिल्म में, जहां वह एक जो है यानी कि दौड़ते हुए विमान पर चढ़ जाते हैं। हवा में एक व्यवसाय ने निर्माता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें दावा किया गया था शौचालय एक प्रेम कथा ने उसी विषय पर आधारित उनकी वृत्त चित्र मनाने के लिए था, जहां पर दृश्य और संवादों को चोरी कर लिया गया था। जी हां फ्रेंड्स, अब इसी के साथ अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा। फिल्म के ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीज़ों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा बता दें फ्रेंड्स, समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षाओं के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग मिली है। इसकी औसत रेटिंग जो है 5.43 मानी जाती है। इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5.4 स्टार देते हुए कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज के लिए एक आईना रखते हैं। हमें देखते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वास के साथ ग्रामीणों और इसके अलावा आलसी जो है प्रशासन होते हैं और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया के सबसे बड़े में बदल दिया था। इसके अलावा जो है गंदगी तालाब विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो है मवेशियों की तुलना में अधिक जो है गंदगी फैलाते हैं के जरिए ये बतलाया गया था कि मवेशियों के हवाले से हम लोग जो है ज़्यादा यानी कि इंसान जो है ज़्यादा संवेदनशील व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5.2 सितारों की रेटिंग दी और कहा, यह सही है कि अक्षय कुमार ने हरी झंडी दिखाई है फिल्म के लिए और कुछ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में जो एक जो है शक्तिशाली सामाजिक जो है नाटक के बजाय हाउ टू ब्रेक के साथ सोशल और इसके अलावा जो है टेबूस इनके साथ मेड टॉयलेट का अधिक जो है प्राइम रखा गया था। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म के मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन लंबी लंबाई और अनसंगन जो है पटकथा की आलोचना भी इन्होंने किया था और इन्होंने फिल्म को 5.3 स्टार की रेटिंग देकर समीक्षा का निष्कर्ष निकाला, ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा
नाकामियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक करता है। अलावा दोस्तों ये फिल्म एक पसंद करने वाली फिल्म थी जो एकीकृत करती है और समाज में कई संदियों पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाती है। यहाँ फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, शौचालय एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इसमें सबसे जो है पुलिस पटकथा नहीं हो सकती है क्योंकि लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इसी विषय को अच्छी तरह से संभालने से इसके नेक इरादों का पूरा फायदा मिलता है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने इस फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, यह स्पष्ट है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है लेकिन जबरदस्त जो है पेंडिंग और थकाऊ हो जाती है। अक्षय कुमार सही मात्रा में इस फिल्म के अंदर और इसके अलावा जो है लेबी ट्रीट लाते हैं जहाँ पे भूमि पेड़ निकट चमकती है अपने रूप में। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने बतलाया, इस फिल्म की कहानी मैला है लेकिन यहाँ अपराधी शौचालय एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन ये छुटपुट रूप से मनोरंजन वाली फिल्म थी। इसे 2017 में रिलीज किया गया था और दर्शकों ने फिल्म को अच्छी तरह से पसंद किया था। इसी के साथ दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतने गंभीर समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये विद्या बालन की प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह लगने लगती है। द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा, हालांकि पहले भाग में कुछ जो संभावनाएं अंत तक खोई हुई थी लेकिन आपको बता दें फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने इसे 1.5 स्टार का मूल्यांकन करते हुए कहा था, टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि आपको बतला दें माइंसन के साथ जो है स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है चमचा गिरी रखी गई है जहाँ पे अच्छी फिल्म हो सकती थी। लेकिन एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और कहा, जब जो है 10 मिनट की सार्वजनिक सेवा वाली फिल्म को सबसे अच्छा क्या होना चाहिए था तो वह 2.5 घंटे में धैर्य परीक्षण जो है किया था जहाँ पे जमहाई उत्प्रेरण के बाद जो है बदल जाती है। सरकारी योजना के लिए बॉलीवुड का कर्ज जो है ऊंचे और इसके अलावा स्वर्ग से बहुत ज़्यादा यानी कि बदबू आने लगती है जहाँ पे शौचालय एक प्रेम कथा बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डेकन क्रॉनिकल के रोहित भटनागर ने फिल्म को 5.5 स्टार दिया और कहा, अभिनेता अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर और देवेंदु शर्मा अपने विचित्र अभी तक जो है शानदार अभिनय से आपका दिल जीत लेते हैं। फिल्म कैंपेन यानी कि अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5.5 स्टार दिए और कहा, दूसरा भाग जो है इसके अलावा व्याख्या की लीला के साथ बन जाती है जहां पे सरकार के लिए बेशरम पलक के साझे थकाऊ गीत अनुक्रम में आते हैं। 3000 करोड़ का शौचालय घोटाला और इसके अलावा हृदय का एक जो है अक्थमिक के साथ हुए थे अक्थमिया और परिवर्तन सब कुछ जो है जल्दी से एक साथ ले जाता है। बहुत अधिक उपदेश ये रखे गए थे कि पर्याप्त जो है मंच नहीं है, 2.5 घंटे में ये बहुत लंबा है और बहुत जो है संतोषजनक भी है। जहाँ पे एनडीटीवी की राजा सेन ने फिल्म को 5.2 स्टार दिया और कहा, अक्षय कुमार ईमानदार है लेकिन ये फिल्म बहुत जो है दर्दनाक है और प्रभावित होने के लिए उपेदनशील भी करते हैं। जी दोस्तों आपने सही सुना फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड्स ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों ऑडियो के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑडियो आइकॉन यूट्यूब पर ऑडियो और इसके अलावा ज्यूक बॉक्स पर रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म के साउंड जो है विक्की प्रसाद मानस शेखर के द्वारा और सचेत जो है परंपरा द्वारा रचित किया गया था। यहाँ पे फिल्म के गीत सिद्धार्थ करीमा द्वारा लिखे गए थे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए थे। हंस मत पगली नामक फिल्म का पहला ट्रेक है जो 28 जून 2017 को ऑनलाइन जारी किया गया था जहाँ पे सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया। दूसरे ट्रेक के बारे में हम बात करें तो बेखदा 5 को जारी किया गया था जहाँ पे जुलाई 2017 में रिलीज किया गया था। और तीसरे गीत के बारे में हम बात करते हैं गोरी तू लट के साथ जो है काफ़ी अच्छे गीत थे जो सोनू निगम और पलक जो है मुछल ने गाए थे जो 12 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे साउंड 13 जुलाई 2017 को तीसरी धारा जारी किया गया था और इसमें 5 गाने शामिल है जो अक्षय कुमार और विक्की प्रसाद द्वारा गाए गए गीत जो है टॉयलेट का जुगाड़ को फिल्म में शामिल किया गया था। लेकिन साउंड के साथ जो है
रिलीज नहीं किया गया था। ये फिल्म 4 अगस्त 2017 को जारी किया गया था और उधन वंचित भी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। चलिए दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव में से ये कहानी स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव जहां पे नंद गांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआत घंटों में अपने गांव से दूर जो है नंद गांव के पास एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौचालय करने जाते हैं। इसके अलावा केशव को एक काली जो है मेंज से शादी करनी पड़ती है क्योंकि वह उसके पिता जो है पंडित बिमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे और वह अंधविश्वासी पुजारी है। इसके अलावा वह उनका जो है मानना है कि उनके बेटे का एक काले भैंसे से विवाह केशव के भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। इसके अलावा केशव एक जो है शिक्षित कॉलेज में जाने वाली लड़की जय से मिलता है, उसे उससे प्यार हो जाता है और वह अंततः उसे शादी करने के लिए मना लेता है। किसी भी तरह केशव जो शादी करने के लिए मना लेता है, लेकिन उसके पिता का ये मानना है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह केवल उसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके बाएँ हाथ में 2 अंगूठे हो, क्योंकि जया इस अवसरता को पूरा नहीं करती। केशव ने एक जो है कृत्य के साथ अंगूठा बनाया और उसे जो है जया को दे देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के बेबस के साथ जो है पिता उनकी शादी के लिए राजी हो गए। यहाँ पे केशव के घर में पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में चली जाती है, लेकिन बिना शौच किए जो है उत्तेजित के साथ जो है होकर वापस आ जाती है और केशव से इसकी जो है शिकायत करती है। केशव द्वारा बार बार जय को शौचालय की जरूरत के बारे में अपनी जो है जिद को छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद भी जया जो है अडिग हो जाती है। वह समस्या को हल करने के लिए कुछ जो स्थायी समस्याएं करती है, जहाँ पे पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाया जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी के साथ जो है बुजुर्ग महिलाओं के पोर्ट ब्लॉक से शौचालय हो जाते हैं और बाद में एक ट्रेन में जो गाँव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहाँ पे वास्तव में बिना अपने जो है घर में एक शौचालय का निर्माण करना, लेकिन आपको बताया थोड़ी देर बाद एक जो है दिन शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाता है। और इसके अलावा उत्तेजित के साथ जो है निशा जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अपने सरपंच और ग्रामीणों को गांव में शौचालय बनाने के लिए मनाने के लिए नियुक्त हो जाती है, जहाँ पे प्रयास के बाद देश जिसके बाद जो है केशव जय की मदद से संबंधित जो है नियम कान के साथ जो है पदाधिकारियों से संपर्क करता है और वह अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू कर देता है। जब निर्माण पूरा हो जाता है तो केशव के पिता और उसके अलावा जो सरपंच शौचालय को ध्वस्त करने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन केशव शौचालय के पूरे तरह से नष्ट कर होने के साथ जो है पहले इसी के साथ बता दे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसमें अक्षय कुमार ने अभिनय किया था। इस फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया था और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म था। दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किए थे श्री नारायण सिंह ने और फिल्म की कहानी सिद्धार्थ सिंह ने लिखे थे। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में अक्षय कुमार एन भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए नजर आए थे और इस फिल्म को वाइकॉम 18 मोशन पिक्चर के बैनर के तहत बनाया गया था। दोस्तों 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म की रनिंग टाइम के हम बारे में बात कर ले तो 155 मिनट की ये मूवी बनी थी। और इसी के साथ दोस्तों बात कर ले मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म 32 करोड़ के बजट पे बना था जो दुनिया भर में 302 करोड़ से अधिक की कमाई किया और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।